इंडस्ट्री के भाई याद आ गए उन्होंने भी आपकी बड़ी तस्वीरें खींची हैं सलमान खान यस <laughs> yes. पुलिस का कुछ तो ड्रेस बनवाया और उसमें रेड कलर का पता नहीं क्या क्या ऐसा कौन है ये सुंदर लड़की कौन है ये सुंदर नारी साहब इसी को के क्यों ले लेते <laughs> यही सोचकर मैंने वो लाल कपड़े सिलवाए थे God, that's so <laughs> <laughs> सलमान ने नीचे देखा था <laughs> <मैं का? laughs> मामा <laughs> मुझे सलमान से मिलाओ मेरे को फोटो खींचनी है घर जाना है वापस हीरोइन तो बन नहीं रही एक फोटो तो खिंचा दो बहुत मतलब कुछ तो मिले इन सच अ फिल्मी फर्स्ट एनकाउंटर बेचारोक हाँ यस तो एक फिल्म थी उसके लिए मैं वो अपनी तस्वीरों का एक फाइल बना के आई वॉज गोइंग अप एंड टकराया हम बहुत एंड आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी एंड ही बेंट डाउन टू गेट माई पिक्चर्स राइट देती हूँ ये ग्लास सडनली में ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं एंड ही जस्ट लेफ्ट ग्लास लाइक दैट सो दैट वॉज नॉट दिन ग्लास टूट गया वो आई नॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड उनको मैंने कहा चल तू निकल यहाँ सेम वेरी फनी लेकिन ही सेड बात है भाई तुम्हें <laughs> दुबई रिटर्न्स में आप नर्वस थी और हिस की शूटिंग के दौरान वो, वो बेचारे नर्वस थे थरबीले थे एंड वी हैड अ किसिंग सीन वो छत पे बैठ के एकदम कांप रहा है पहली बार मुझे उनको देख के इतनी खुशी हुई कि नर्वस है इरफान <laughs> इस नर्वस लाइक मैं कोई बात नहीं हो जाएगा हो जाएगा ही इज लाइक आई नो आई नो हरभजन दरवाजा पीट रहे हैं यस uh, yes. राहुल थे ज़हीर थे कितने सारे थे बहुत सब सा, बहुत सारे लोग थे स्क्रीन प्ले के अंदाज़ में बताऊं एंड सडनली थार 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 एंड खोला तो सारे ओ तुसी दजया नहीं तुसी शहीद ए मोहब्बत वाले टेंट टेंट एंड देन आफ्टर पजी एवरीवन के और मुझे लगा यही तो रिस्पॉन्स चाहिए था यानी पर आया कैसे <laughs> Let's talk about dance then. तो जो गाना देखा था खई के पान बनारस वाला तो अपने सब नेबर बच्चों को बुलाया कि आओ भैया हम परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों क्या लालच दिया तुम्हें समोसे गुलाब जामुन मिलेंगे तालियां जोर से बजाई तो रूह भी मिलेगा <laughs> <So>, बजाओ <बड़ा> ताली Brought to you by Sensodent K अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन तय तो ये हुआ था कि जिंदगी रूहाफजा जैसी हो खूब सारे बच्चे पिए और एक बच्ची डांस करे गाने कोई भी हो सकते हैं शर्त इकलौती है कि अमिताभ बच्चन के हों जैसे मिस्टर नटवर लाल का गाना परदेशिया ये सच है पिया लेकिन जिंदगी ऐसी होती कहाँ है क्योंकि भरी क्लास में कह दो कि बड़े होके एक्टर बनना है तो प्रिंसिपल के कमरे के बाहर मुर्गा बना दिया जाता है उस वक्त लगता है ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है पर यह सबसे बड़ा दुख नहीं था ज़िंदगी के सबक की शुरुआत थी क्योंकि एक दफ़ा फ़ोन की घंटी बजनी थी और फिर बुआ को रोते हुए बताना था पिता नहीं रहे पिता जिन पर ज़िम्मेदारी थी जिंदगी को बचाने की और जब पहली मर्तबा उनको देखा तो ख्याल आया कि इनको ठंड लग रही होगी बर्फ़ की सिल्ली पर लेटे हैं जिंदगी शुरू हो चुकी थी अपनी क्रूरताओं अपनी जटिलताओं के साथ कितना कुछ होना था अभी कभी माँ को बचाने के लिए भाई को बचाने के लिए बोट पर जबरन चढ़ने के लिए पानी में कूदना था ये एहसास बाद में आना था कि पानी की गहराई तीन फीट से ज़्यादा की नहीं है कितने संघर्ष करने थे तमाम लोगों के मना करने के बावजूद मुंबई जाकर क्योंकि मन का काम करना है और उसके पहले की पढ़ाई उसके लिए कभी बाथरूम में कुर्सी मेज लगती थी कभी कुछ और कलाकारियां होती थी होती तो चोरी भी थी दूध के पैकेट की वो बात और है कि यारियां ऐसी गाफिल हुई कि, कि किसी ने किसी का इल्जाम अपने सर ले लिया सिलसिला चलता रहता है भीड़ से नेपथ्य से स्पॉटलाइट में आने का सिलसिला और कई बार मौके इतने करीब आकर छूट जाते हैं कभी कोई कह देता है कि तुम्हारा रोल तय था पर शक्ल मनीषा से बहुत मिलती है कभी कोई कह देता है कि इस डांस नंबर में तुम्हारा रोल तय था लेकिन अब हमने इस डांस का मीटर बदल दिया है लेकिन आखिरी में इतने सारे धैर्य के बाद बचता क्या है रोल मिलते हैं एक एक करके मिलते हैं धमकियां भी मिलती हैं कि इस रोल के बाद तुम्हें मेरे फैन हॉकी की स्टिक लेकर दौड़ाएंगे सिलसिला चलता रहता है साल बीतते हैं दशक बीतते हैं कुल जमा ठीक ठीक कैलेंडर देख कर कहूँ तो ये तीन दशक का समृद्ध सफर है इसमें टीवी सीरियल हैं, इसमें वेब सीरीज हैं इसमें फिल्में हैं इसमें नायिका का रोल है और इसमें नायिका की परछाई का रोल है पर इतने कारगर ढंग से निभाया गया है कि लोग पूछते हैं इस लड़की को पाकिस्तान से लेकर आए थे क्या यश जी द न्यूज़ रूम में आज की हमारी जो मेहमान हैं वो बहुत ही संवेदनशील बहुत ही समृद्ध कलाकार हैं और जो उन्होंने ज़्यादा को नहीं बताया वो भी कि बड़ी कमाल की राइटर हैं उनके दोस्त अब तक उनकी फ़िल्म के पहले मुकम्मल ड्राफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी किताब पढ़कर हामी भरने को राजी नहीं है पर ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था मृत्यु के जिक्र से हुआ था पर मृत्यु के पहले जीवन है क्योंकि हम सब एक स्थगित मृत्यु के पहले आनंद के कलर में जी रहे हैं और वो जीवन कैसा है आप किसी की गोद में हैं जकड़ गए हैं अकड़ गए हैं शॉट पूरा नहीं हो रहा है कोई समझा रहा है चिंता मत करो तुम्हें गिरने नहीं दूंगा या फिर लाइट जा रही है यह सिनेमा वालों के लिए सबसे ज्यादा आतंक से भरा वाक्य होता है और तब कोई छटपटा कर कह रहा है मैं मर नहीं पा रही हूं और कोई अभिनेता आता है अभिनेता जो बड़ी कमाल की फोटो खींचता था इनकी बगल में लेटता है धूल दूस धूसरे धोने की परवाह किए बिना और कहता है ये मरना रील का मरना इतना मुश्किल भी तो नहीं है बस सेकंड है दस तक की गिनती है और सांस की रिदम पर केंद्र है सांस आएगी सांस जाएगी उन सब के बीच जिंदगी है संवाद है और इसीलिए है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम और गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज की हमारी मेहमान हैं हिंदुस्तान की कमाल की कलाकार दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी के तयशुदा तौर तो तरीके तो ये कहते हैं कि मैं सबसे पहले आपसे सहनेवाल और लुधियाना के सवाल पूछूं जी पर जब मैं आपकी ज़िंदगी के ये जो बेसिक नोट्स हैं इन पर जा रहा था मुझे ऐसा लग रहा था करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जिन पे बहुत बीतती है ना वो बड़े साइलेंट एग्जिट खोजते हैं हमारी एक दोस्त हैं डांसर हैं वो कहती हैं कि मेरा मेरा मोक्ष मेरी मुक्ति और मेरी अभिव्यक्ति नृत्य में होती है दिव्या दत्ता की मुक्ति किस में होती है जीते जी सेट पे होती है और आ, मुझे और कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आती जहाँ मैं होना चाहूँगी बजाय मेरे सेट्स के और ये मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रही कि कहना अच्छा लग रहा है मेरे ख़्याल से बचपन से ही जैसा आपने कहा एक जहन में था कि मुझे तो एक्टर बनना है और डॉक्टर्स की फैमिली में ये सोचना कि आप एक्टर बनेंगे आ, तीस साल पहले कुछ खास आसान काम नहीं था तो आ, अब जब मैं देखती हूँ जब बहुत सारी चीज़ें खो दी लाइफ में जिनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव था तो लगता है कि अब ये वॉड यू लुक फॉरवर्ड टूर लाइफ एंड देट आई फील इज़ माई वर्क मैं जब कुछ भी अगर सोच सोचे और मेरे ख्याल से बहुत सारी महिलाएँ होती हैं जो ज़्यादा सोचती हैं और मैं उनमें से एक हूँ डेफिनेटली वी ओवर थिंक एंड वी ओवर एनालाइज एंड वी लाइक ऑलवेज कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जहन में लेकिन जब मैं सेट पर होती हूँ पता नहीं क्या हो जाता है बिल्कुल मुख्तलफ इंसान आती है वहाँ पर और पर्सनैलिटी भी अलग होती है और uh, uh, हो जाती हूँ उस दुनिया में और मुझे लगता है कि मैं उस शायद दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहती जब मैंने आई लैंडेड दिल्ली एयरपोर्ट पे तो आई वाज जस्ट थिंकिंग आई सॉ अ वेरी ओल्ड पर्सन ऐसे मैं कभी इतनी जब बूढ़ी अगर हुई तो uh, क्या कर, करना चाहूँगी शायद सो आई थॉट प्रोबली आई वुड लाइक टू बी ऑन माय सेट एंड गो फ्राम दैट एंड दैट वुड बी द बेस्ट प्लेस आई लाइक टू गो फ्राम सो आई थिंक मेरे लिए सेट वो जगह है जहाँ मैं uh, अपनी मुक्ति पाती हूँ वैन इज़ द फर्स्ट टाइम पहली मरतबा जब आपने बहुत सारा शोर और बहुत सारा सन्नाटा एक साथ महसूस किया था क्योंकि आप स्टेज पर थे <laughs> बहुत सारा शोर और बहुत सारा सन्नाटा शोर्स uh, शायद मेरे अंदर था <laughs> और सन्नाटा uh, बाहर था और फिर वो उल्टा हो गया स्टेज uh, पे जाना आई थिंक सबसे पहले आपको तो यू विल नो बिकॉज आप लाइव इतना करते हैं नर्वस uh, एनर्जी बहुत होती है खास तौर पे जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता आपको लगता है आप सब लाइंस भूल गए सब हो गया तो सन्नाटा एकदम शर्ल से और ऑडियंस में शोर होता है कि अभी ये क्या दे आर ऑल लुकिंग एट यू एंड यू आर वेरी क्वाइट इनसाइड बिल्कुल अंदर सन हो जाता है कि बस पहली लाइन बोल ले बेटा बाकी का संभाल लेंगे पहली लाइन याद आ गई तुम्हें आ, वो नर्वस एनर्जी के साथ जब स्टेज पर आ, मेरे ख़्याल से ऐसा एक मरतबा नहीं हुआ है बहुत बार हुआ है और जब परफॉर्म करते हैं जब यहाँ से शोर निकलता है या शोर शोर सही वक्त लफ्ज़ नहीं होगा

जिनके जिनके ऊपर बिना तैयारी के दुख आ गए वैसे तो हम कभी तैयार नहीं होते हैं तो हम सब अपने अपने अतीत के शरणार्थी हैं तो तार वहाँ जुड़ जाता है जी हैव बीन वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली जब आप ये कह रहे थे तो मुझे uh, एहसास हुआ कि यस आई थिंक जिंदगी ने बहुत सारी चीज़ें uh, एक साथ बहुत जल्द दिखाई और uh, कुछ कुछ इट इट वाज़ डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स पहले तो ये कि uh, सबसे पहले मैं अपने माँ बाप से अलग रहने गई क्योंकि साने वाल जहाँ मैं रहती थी तो दोनों डॉक्टर्स थे और uh, डॉक्टर्स थे तो uh, मसरूफ़ रहते थे हमेशा तो मैं जो थी कभी पेशेंट्स के साथ कभी उनके जो क्लास फोर्स होते थे या उनके साथ मेरी दोस्ती थी साठ गार्ड थी और मैं जो थी हमेशा बोला करती थी कि मम्मी गायन नाक थी तो मैं बोला करती थी कि इनको शायद बेटी होगी इनको शायद बेटा होगा स्ट्रेंजली वो सही निकलता था और मेरे लिए मिठाइयाँ कोई टॉफ़ीज चॉकलेट्स वो सब आया करता था उस जर्नी में मैंने कहीं गालियाँ सीख ली तो क्योंकि गांव था अब कोई किसी आदमी को दूसरे से लड़ते हुए देख लिया मैं तो स्कूल से आके फ्री बैठी हूँ आई एम डूइंग नथिंग देयर तो गालियां सीख ली तो एक दिन डैडी आए अपने हॉस्पिटल से एंड गालियाँ थी ए या ये, ये टोटल ए लेवल की गालियाँ थी जो मुझे माय डैड सेड कि तुम्हें आज क्या स्कूल में पढ़ा एंड आईड ऑपथल थे तो लेकिन दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे तो सब सब करते थे बीच हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल सहनेवाल में hmm. और uh, मुझे अभी तक याद है बहुत छोटी थी लेकिन मुझे वो कतारें याद हैं uh, कि कतारें लगती थी उन दोनों से मिलने के लिए और uh, दोनों एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते थे कि ये वाला पेशेंट मेरा है ये वाला पेशेंट मेरा एंड आई आईज टू स्टैंड देयर विद सेंस ऑफ प्राइड कि भाई uh, ये देखो ये जो कतार लगी है ये मेरे माँ बाप के लिए लगी हुई है डॉक्टर सुरेंद्र और डॉक्टर के लिए लगी है तो uh, तुम तो, हाँ सो देन डैड एक दिन आए और बोले कि uh, क्या पढ़ा आज तूने लेट मी जस्ट सी ब्राउज थ्रू कि तुम क्या कर रही है तो गालियों की जो इतनी फहरस्त थी वो मैंने सारी की सारी सुना दी एंड ही वो शॉक्ड कि ये क्या हुआ ओल्ड वर यू आई मस्ट बी तो तब मुझे तो बहुत प्राइड थी कि देखो मैं क्या सीख के आई हूँ मुझे थोड़ी पता था कि क्या गहराई है इन गालियों की तो uh, मेरे डैड ने कहा कि तुम दिल्ली जा रही हो uh, अपनी बुआ के पास और वहाँ पढ़ोगी तो मेरे लिए पहला झटका ज़िंदगी का वो था अनोइंगली uh, शायद उन्हें नहीं पता था कि छोटा बच्चा जो है वो अपने माँ बाप से बहुत और मुझे लगता है हर बच्चा बहुत मुख्तलिफ होता है सम किड्स लव गोइंग टू हॉस्टल्स और गोइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स आई वॉज अ शॉर्ट जिसको माँ बाप के पास रहना था और मेरा छोटा सा भाई था अभी अभी हुआ था तो uh, राहुल और वो भी अब डॉक्टर है तो मुझे था कि ये मेरी फैमिली है मुझे यहीं रहना है मुझे मत भेजो तो वो एक जो सेंस ऑफ बींग टेकन अवे फ्राम योर फैमिली था वो जहन में रह गया कहीं तीन साल यहाँ रही दिल्ली में और मेरी तीन बुआ थीं जिनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन बहुत ध्यान रखा बहुत स्नेह दिया राजेंद्र नगर में रहते थे हम लोग और एक एक बुआ पढ़ाती थी एक खाना खिलाती थी एक सजाती थी मतलब वो हुआ करता था कि आज स्कूल में क्या हेयर स्टाइल बनाना तो मैं कहती थी आज नीतू सिंह बना दो यहाँ पे वो फ्रिजेस होते थे ऐसे तो आज परवीन भाभी बना दो जो यहाँ पर ऐसे वो डिफरेंट हैड राइट तो वो यूज़ टू इंडल्ज मी तो इतना सब होने के बाद वन फाइन डे जब आ, हम लोग खेल रहे थे तो आ, मेरी बुआ ने कहा कि जल्दी आ डैडी का फ़ोन आया है सो so, वो हमेशा फ़ोन करते थे एंड सपोज टू कम तो जब आ, मैं गई वहाँ पर तो कोई भी नहीं बात कर रहा वो सन्नाटा आज तक नहीं भूली बिकॉज नो बडी न्यू वट वॉज हैपनिंग एंड आई रियलाइज के जो मेरे डैडी आने वाले थे मेरे एनुअल फंक्शन पे वो नहीं आ रहे हैं बिकॉज़ ही इज़ पास्ट और मुझे वो बहुत ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगा मुझे लगा कि ये तो धोखा हो गया ना मतलब मुझे कहा कि मैं आता हूँ स्कूल और खुद चले गए एंड दैट्स नॉट डन एंड आई रीच दैर और शायद जिंदगी वहाँ बदल गई मेरे लिए कि सडनली uh, आप वो uh, एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लेकिन उस दिन मैंने अपनी माँ को देखा एंड वहाँ पर क्या होता था कि गाँव में सब कहते थे आप सफ़ेद पहनिए आप अभी वो तेरह दिन जो आप रखते हैं वो रखिए और चालीस दिन काम नहीं करेंगी आप तो मम्मी ने बारह दिन दस बारह दिन किया ऐसा देन शी सेड सुनिए मेरे हस्बैंड को मैं रंगीन कपड़ों में बहुत पसंद थी मैं तो रंगीन कपड़े पहनूंगी और मेरे बच्चों को आप खाना खिलाने वाले हैं नहीं तो मैं काम पर जा रही हूँ सो शी काइंड ऑफ ब्रोक ऑल दोज टिपिकल नॉर्म सर्वा एंड उनको मैंने उस वक्त से और, और मुझे आज भी वो कॉन्वर्सेशन मेरे घर पे याद है यहाँ दिल्ली में मेरी तीन बुआ बैठी थी मेरी दादी थी और मेरी माँ थी एंड आई टोल्ड देम आई लव यू वेरी मच बट मुझे अब अपनी माँ के पास जाना है आई ऑफ कोर्स बट शी नीड्स मी टू और किसी ने मना नहीं किया और फिर मैं वापस उसी स्कूल में चली गई जहाँ से आई थी हार्ट सिक्रेट हार्ट बट आदतें खराब हो गई थी सब तो अब था कि पढ़ाओ कोई खाना खिलाओ हाथ से कोई मुझे परवीन भाभी के हेयर स्टाइल कर दो मम्मी सर आई एम डॉक्टर नथिंग ऑफ द सॉर्ट तुम पढ़ोगी बायोलॉजी खुद पढ़ोगी अब खुद से करना चीज़ें आता नहीं था तो वो जो डांट पड़ी वो पहली बार पड़ी थी और जो जो चीज़ें बहुत कम आपको दी जाती हैं उनका असर बहुत ज़ोर से होता है तो आ, बहुत ज़ोर से झटका लगा कि माँ ने डांट दिया आई ना लेट हर डाउन उस दिन से फिर आई थिंक आई बिकेम वेरी इंडिपेंडेंट साथ रहे हम लोग एंड uh, पर मेरा केंद्र बिंदु फिर ये हो गया कि बाकी सब ठीक है ये नहीं कहीं जानी चाहिए शी शुड बी देयर ये तो यही होनी चाहिए तो uh, अंधेरे में बहुत डरती थी मैं बचपन से लाइट चली जाती थी तो जाके ऐसे टाइट से पकड़ लेती थी को के अंधेरा एंड आई थॉट देयर इज सो लेसिया यहाँ पर कुछ गलत नहीं होने वाला ये संभाल लेगी क्योंकि मैंने उन्हें टेररिज्म के दिनों में भी देखा है जब जब आ, बहुत कमाल से संभालती थी हर कुछ उनके अगेंस्ट अगर कोई प्रोटेस्ट हो जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का तो हो ही जाता था उस वक्त तो बहुत हिम्मत से सबके साथ वो करती थी एंड आई यूश टू बी वेरी स्कैड मुझे सिर्फ it, और सिर्फ इतना याद है कि मैं उनका दुपट्टा अपने मुंह में लेके पीछे खड़ी हो जाती थी और मुझे लगता था इनमें से कोई अगर मेरी माँ को कुछ कहेगा तो मैं आगे आके उसको मारूंगी दैट वाज माय ओनली थिंग दैट आई हैड बट आई सो कि उस औरत में बहुत हिम्मत थी और हमेशा ये सोचा कि एक चौथाई इतनी हिम्मत अगर मुझे मुझ में कभी आ जाए तो शायद आई वुड से कि मैं गंगा नहा एंड देन वन आई लॉस्ट ह तो वो मेरी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा खौफ था जिसे मैंने फेस किया और uh, ये सुना करती थी कि इसको डिप्रेशन बोलते हैं इसको एंग्जाइटी बोलते हैं इसको नमनेस बोलते हैं uh, वो जब फील हुआ तो कुछ फ़ील ही नहीं हुआ तो आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं और उसी वक्त मैंने पेंगविन में आ, कहा कि मुझे ना एक किताब लिखनी है एक ऐसी पेरेंट को सेलिब्रेट करना है जो शायद मेरी दोस्त है मतलब हम लोग कई बार कितनी बातें अपने माँ बाप को नहीं बता पाते कि अरे आपको नहीं समझ में आएगा आप आप जो हैं आप मम्मी हो यार आप पापा हो मैं अपने दोस्त को बताऊँगी सो बट हियर वॉज अ वूमन हु आई यूस्ट टू टेल ऑल माई डिज़ास्टर्स टू मतलब मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर ली वो भी बताती थी और उसमें जज नहीं होती थी और उसने मेरे ख्वाबों में बहुत इन्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा और मुझे लगता है कि कितनी बार थैंक यू करूँ उस औरत का कि आज अगर मैं एक्टर नहीं होती शायद बहुत अच्छी पदवी पे कहीं होती आई ए होती क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी या फिर साइकोलॉजिस्ट होती क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट था लेकिन ये वाली खुशी नहीं मिलती जो मुझे वो करके मिली जो मैं करना चाहती थी एंड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट सो वो चीज़ें एक साथ आई थिंक या शी वॉज और uh, कभी मेरी बुराई नहीं करती थी मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सब महान फिल्में की हैं <laughs> ऐसी मल्टी भी की हैं जहाँ पे मैं खड़ी हूँ आप जब सीख रहे हैं तो सीखते हैं लेकिन वो हमेशा कहती थी मेरा बच्चा बेस्ट है इसको कोई कुछ नहीं कहेगा तो और सो दिस वॉज हार्ड वर्स एंड यस आई थिंक शी वाज अ वेरी प्राउड मदर एंड आई आई जस्ट फील दैट सम्सलोटली स्माइलिंग तो या जिंदगी ने बहुत वो मारे हैं लेकिन मुझे लगता है सस्पेंशन दे देती है गाड़ी में कि चलते रहो तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आ जाती हैं सो आई लिव विद माई ब्रदर नाव उसके दो बच्चे हैं मुझे कोई अच्छा आदमी मिला नहीं तो मैंने कहा मैं अकेली ठीक हूँ तो आई थिंक वो पीस आपको अपनी खूब सारी गलतियाँ करके पता चलती है कि आपको कोई सही मिल रहा है क्योंकि क्या होता है आप uh, कई बार किसी को अपनी दुनिया बना लेते हैं और बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिसको दुनिया बना रहे हैं वो दुनिया बनने के लायक हो तो ये काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस आपको एक्सपीरियंस करके ही आते हैं शायद लेकिन टुडे आई फील कि आ, शायद भगवान उतना ही देता है जितना आप आ, संभाल पाएँ टूट एकदम बिखर के गिरी ना जाए मेरी बेस्ट फ्रेंड आज तक मुझे बोलती है कि मुझे नहीं लगता था कि यू वुड सरवाइव मदर एवर। शी मस्ट बी रियली प्राउड दैट यू डिड तो आ, शायद हिम्मत दी उसने मुझे अब टुडे आई फील देर आर सर्टेन Uh, क्या बोलते हैं उनके उनकी जो बहुत सारी चीजें वो मेरे अंदर हैं बहुत जैसे जैसे हिम्मत जो uh, पहले नहीं थी uh, बहुत सारा बिहेवियर वैसा हो गया हम हो जाते हैं वैसे मैं आपको हिम्मत पे टोक रहा हूँ ताकि मेरी ऑडियंस को <laughs> डॉक्टर नडली की हिम्मत का लाइव उदाहरण मिले चार डेड बॉडीज आई थी और ये चार बॉडीज कुछ घंटों पहले जीवित थी एक गाड़ी चला रही थी और उन्होंने डॉक्टर साहब को लिफ्ट दी थी जरा ये प्रसंग सुनाइए हिम्मती तो थी ही बहुत बेबाक और बिंदास भी थी तो उनको कोई ख़ास फ़र्क पड़ बहुत ज़्यादा सोचती नहीं थी इस बारे में कि मैं आ, मतलब एवरीथिंग वाज मैं बहुत सोचती हूँ ये हम दोनों की बहुत अलग क्वालिटीज़ हैं शी तो उनके कुछ कोर्सेज हुआ करते थे उस वक्त आई फोगेट द नेम क्या बोलते हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को वो शायद एनुअली कुछ करना होता है तो उस कन्वेंशन के लिए वो जा रही थी चंडीगढ़ और सानेवाल में थी उनकी जीप जो उनको दी गई थी वो ख़राब हो गई तो एंड तो तब मोबाइल्स वगैरह तो कुछ भी नहीं था तो शी में मैं मैं रात को आऊँगी वेट मत करना वी शी शी कम दैट नाइट एंड शी केम द नेक्स्ट डे एंड शी कॉल्ड कॉल्डस एंड टोल्ड टोल्डस वट शी शीश मैंने किसी से लिफ्ट लिया गाड़ी में चार लोग बैठे थे सबके हाथ में वेपन्स थे आम और तो फिर शीश पाजी मैं अगे उतार दिया एंड देर वेरी नाइस टू एंड दिस हेड हांजी थ्रू और आगे उनको उतारा जहाँ उनको उतरना था सेफली दे सोहर ऑफ कि गई ठीक से चली गई अगले दिन मैं शी केम टू द हॉस्पिटल शी सौ दो सो मतलब बतौर एक बच्चा और एक माँ की बेटी वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग इंसिडेंट था कि ये शी जस्ट डज एवरी थिंग एंड एनी थिंग एंड एंड गेट्स So, yeah, like that. Hmm. हम लोगों ने शुरू में ही बहुत सीरियस uh, हाँ प्लीज हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट यही राजेंद्र नगर में आ, बड़ा सा मेरा हम क्या बोलते हैं वेड़ा बोलते हैं बरामदास बोलते हैं जो भी बोलते हैं बड़ा सा बेंच था जो आपकी भाषा में बोलते हैं वही उसका एक लाभ ये होगा हाँ। कि हमारे जो दर्शक हैं उनके खलीते में यानी उनकी जेब में कुछ पुरानी पंजाबी भाषा के शब्द भी सिक्कों की तरह आगे Beautiful. तो, आ गिरेंगे ब्यूटिफुल तो अमिताभ बच्चन की फिल्में देख रही थी उस वक्त मेरी आ, सबसे छोटी बुआ जो थी वो बहुत फिल्मी थी उन्हें नाम शशि तो उनके साथ मैं जो फिल्में बच्चे देखने जा सकते थे एंड मिस्टर बच्चन्स मूवीज और मोस्टली दैट तो वो हम सैटरडे संडे हमारा तय होता था कि पहली बच्चन फिल्म कौन सी थी जो आपको पक्के से याद काला पत्थर हम्म hmm. काला पत्थर देन डॉन एंड काला पत्थर में मैं गुम गई थी थिएटर में यहाँ पे क्योंकि uh, कौन से थिएटर विवेक नाम था शायद का थिएटर था आई थिंक सो थिएटर का नाम विवेक था uh, शंकर रोड के भी आगे कहीं पे दैट प्लेस वाज देयर कैसे खोई खोई ऐसे कि फिल्म चल रही थी और मुझे सडनली लगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ और होता है बच्चे को लगा बड़े हो गए तो बड़े हो गए तो मैं कहा आप चलो पॉपकॉर्न लेके मैं आ रही हूँ वॉशरूम से श्री सर मैं रुकती हूँ तुम्हारे लिए मैं कहा नहीं आप चलो मुझे मालूम है हमारी सीट का है। तो दो बुआ थी दोनों बैठी थी उन्होंने कहा ठीक है और वो अंधेरे का इशू था लाइट बंद हो गई पिक्चर शुरू हो गई और मुझे सीट नहीं मिल रही मैंने पूरी ऑडियंस को डिस्टर्ब कर दिया

तो वो फिल्में जो देखना शुरू किया मैंने और फिर मुझे याद है एक कौन सी पिक्चर आई थी विनोद खन्ना शबाना जी की जो मैं देखने गई थी बहुत तैयार होकर ऐसे सुंदर बन के गई और अपने डैडी के साथ क्या आज हम डेट पर हैं दोनों आ, वो कभी कभी आते थे मुझे मिलने के लिए और हम उनका स्कूटर होता था हम कहते थे चलो फिल्म देखने जाते हैं और शहजादियों जैसा फीलिंग आता होगा उस टाइम है बिल्कुल आई मीन यस आई वॉज ट्रीट ए प्रिंसेस फॉर शो एंड थिएटर uh, पहुंचे तो uh, पता चला कि फॉर एडल्ट्स मूवी है तो uh, बहुत मेरा दिल टूटा और वापस मैंने कहा किस से जाएंगे वो तो हंसेंगी जिनको हम छोड़ के डेट पे निकले शशि बुआ एंड कंपनी हाँ हम उनको लेकर नहीं गए थे तो उनका एक कुछ तो बोली वो uh, पंजाबी में नाते तो ती रह गई मुंहते मखी रह गई बहुत तैयार होके गई आई स्टिल इट हर्ट मी सो दैट एवरी वीक आई वॉन्ट टू सी यू फिल्म और फिर मुझे लगा कि ये जो दुनिया है ये जो इतने हैंडसम से मिस्टर बच्चन है इनकी दुनिया को बिलोंग करना है और कैसे करना है ये पता नहीं एंड आई थिंक मेरे डैडी को किसी ने बता दिया कि इसको एक्टिंग करनी है वो तो आते जाते थे सानेवाल में थे तो ही सेट तुम्हें एक्टिंग करनी है आई वॉज वेरी स्केयर फिल्म ऐसे नहीं तो सेट तुझे पढ़ना है पढ़ना है ओके ऐसे हाँ हाँ मैं ऑफकोर्स मुझे पढ़ना है तो आ, तो फिर वो बात वहीं रह गई लेकिन शौक़ तो शौक तो जो गाना देखा था खई के पान बनारस वाला मम्मी की कुछ आ, जो दुपट्टे थे उनको फाड़ वाड़ के वह यहाँ पर ऐसे बांधा पान खाना अलाउड नहीं था तो लाल वाली लिपस्टिक यहाँ लगाई पान बन गया और फिर अपने सब नेबर बच्चों को बुलाया कि आओ भैया हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सेट में गाना लगाया और डांस किया और उनको बच्चों को लालच दिया बच्चों को लालच ये दिया कि देखो तुम्हें समोसे गुलाब जामुन मिलेंगे और अगर तुमने तालियां जोर से एक्चुअली इनको भी देना चाहिए तालियां जोर से बजाई तो रू अफजा भी मिलेगा तो आई थिंक वो जो तालियों की गड़गड़ाहट का एक नशा है वो अनपैरल्ड वो

ऐसे बिल्कुल आप तो एकदम हाँ ऐसे, ऐसे बिल्ली ऐसे। जाती थी ताकि ना तो लड़के उठे और ना लड़कियां उठे ना हमारी बना रखा था उन्होंने ये नारी हीरा जो स्टारडस्ट के ओनर थे उनका एक बंगला था मड आइलैंड में अच्छा। तो वहां पर चार लड़कियां चार लड़के रहा करते थे लड़कों का कमरा इस तरफ लड़कियों का इस तरफ बीच में मेट्रन और हमारे उनका नाम भी रामू काका था तो रामू काका थे जो खाना और सब हमारा ध्यान रखते कौन थे कौन कौन सोनाली जाने जाते आसान नहीं है सबके लिए लेकिन दोस्त बहुत अच्छे बन गए सब तो दूध चुराती थी तो मेटर ने एक दिन कहा कि दूध तो कोई पीता नहीं है यहाँ डेफिनेटली कोई ले रहा है कौन लेता है तो सोनाली ने कहा क्यों

मेरी मैं घोड़े पे सवार मेरी हट, आ, और बहुत अच्छा घोड़सवारी की आपसे बोल रही लेकिन ट्रेनिंग चल रही थी और उस दिन सोनाली नहीं आई थी उसको उसकी उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी इतना तेज मैंने हवा में घोड़ा दौड़ाया और जब मैं उतरने लगी घोड़े से वो घोड़ा दोबारा चल पड़ा एंड आई वॉज हाफ वे थ्रू गेटिंग ऑफ हड्डी के बल गिरी ये बाजू के बल गिरी और मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ एंड आई फेंटेड एंड मैं लास्ट वर्ड वो सोनाली मतलब किधर है तो उसको बुला दो एंड आई पेंटेड एंड जब आंख खुली फिल्मी तरीके में तो देखा कि मुझे uh, वो नहीं होता है हॉस्पिटल uh, में इतना आसान शीशे उसमें तो उसमें वो ऐसे खड़ी थी और मैं उसको ऐसे देख रही थी आई सेड इट्स गॉन माई माई ट्रेनिंग इज़ गॉन तो शी सिंह नो इट्स नॉट गॉन यू विल कंटिन्यू तो मेरा डांस मैं वो कास्ट पहन के आ, राइट हैंड में था तो डांस एक हाथ से करती थी नहलाती मुझे सुनाली थी खिलाती मुझे सुनाली थी लेफ्ट हैंड से लिखना उसने मुझे सिखाया तो दोस्त जब बनते हैं वो वैसे वाले बनते हैं और आ, आ, हम जब सब बैठते थे एक टपरी पे बैठते थे जाके चाय वगैरह पीने के कौन बनेगा सबसे बड़ा स्टार तो हम सब ना सोनाली को देखते थे कितनी सुंदर थी मतलब जब मैंने उसे देखा नहीं मतलब ऑफ़ कोर्स अभी तो बहुत ही स्टनिंग है हम लोग जेबीपी uh, है आ, एक, एक दूर, एक दूसरे से. तो uh, uh, मतलब जो हौसला अफजाई उस, उस लड़की ने मुझे दी तो हाँ मैं ये बता रही थी कि सब सोनाली को देख रहे कि ये की ये बनेगी स्टार तो मुझे लगा यार स्टार तो ही बनेगी एक्टर एक्टर तो मैं हूँ पर मैं मैं क्या स्टार नहीं बनूंगी तो मैं ऐसा सोचती थी और मुझे अभी भी याद है कि मुझे कोई लड़की लेडी ना आ, स्कूटर पर वो नहीं होता है जो शोले वाला साइड साइड कार तो उस पर लेकर चली गई थी उसी टपरी पे मुझे बहुत शौक था वो शोले अटक गई थी दिमाग में तो मैंने कहा आंटी आप मुझे ज़रा इस पर बिठा देंगी तो वहाँ सोनाली बैठी है वो सब चार लड़के बैठे हैं सब बैठे हैं उनको लगा यहाँ तक ले जाएगी और ले आएगी That woman wouldn't stop. She took took me, and 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 then uh, these Sonali and all the gang they they somebody's car and they followed us. दैट वूमन वुडुक मे एंड सोनाली थी वापको? क्या बताओ <laughs> कहाँ ले जा रही थी तो मैं जो थी बहुत नाइफ थी बहुत जल्दी भरोसा करती थी और पंजाब में क्या होता है कि आप हाँ जी हाँ जी करके बात करते हो तो जब मैंने सबसे मिलना भी शुरू किया था वहाँ पे तो सबको हाँ जी हाँ जी मेरी माँ इतने सारे मिठाई के डब्बे लाती थी क्या बोलते हैं हम ढोडा बोलते हैं उसको ढोडे की मिठाई आ, में मुझे आज भी अगर आप एहलाज नहलानी या वो नाइन्टीज़ के डायरेक्टर्स से अगर आप मिले वो कहेंगे हाँ वो ढोडे वाली लड़की क्योंकि मैं हमेशा पर पैचली एक मिठाई का डब्बा लेके जाती थी दैट आई हैव कम टू आस्क फॉर वर्क हियर इज़ द मिठाई सो <laughs> so, मुझे और कोई तरीका आता नहीं था सो <laughs> so, हाँ जी हाँ जी करके बात करती थी एंड आई रियलाइज कि इंडस्ट्री की साइकी ये है कि एक तो आपको कोई मना नहीं करता है। Uh, क्योंकि कभी भी आपको uh, आपकी ज़रूरत पड़ सकती है उनको इंडस्ट्री है बिज़नेस है यू डोंट नो वेल यू डू वेल और दूसरी बात अगर आप बहुत ज़्यादा uh, जी जी में घुसते हैं ना सबको नहीं जो बहुत नॉलेजेबल लोग हैं वो नहीं वो बहुत हम्बल लोग हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा शोशे वाले हैं उनको लगता है अरे इसको मेरी ज़रूरत है यार तो ये मैंने सीखा कि यू हैव टू टॉक टू पीपल वेरी वन ऑन वन तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं देखो मैंने कहाँ से शुरू की बात सौरभ अब मैं कहाँ पहुंच गई बट कहीं तो पहुंच ही सो या चलो अब मैं भूल भी गई मैं क्या कह रही थी आप दूध की चोरी के लिए दबे पांव जाती थी हाँ जाते तो जाते आप बैठ गई छोले वाली बाइक पे शोले वाली बाइक से डोडे पे चली गई डोडे से पहला आज नीलानी डोडे हाँ, वाली लड़की फिर आप नाइफ थी फिर वहाँ का हाँ जी आपका पंजाब वाला जेनविन हाँ जी कल्चर हाँ। और वहाँ का शुगर कोटेड oh हाँ God, वाला God, कल्चर ये क्या है क्या चिप बिठाया आपने अंदर मुझे सिवाय डायलॉग्स के और कुछ याद नहीं रहता है सो सो या सो धीरे धीरे सीखा कि आपको रिजेक्शन भी मिलता है आपको फिल्मों से भी निकाला जाता है हम जो ये नेपटिज़म नेपटिज़म करते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि नेपेटिज़म हो आई थिंक इज़ अ सर्टन जो कि सिर्फ आउटसाइडर्स में भी है और आ, ना सिर्फ फिल्मों में है बल्कि हर फील्ड में है और मतलब वैसे भी वैसे क्यों ना हो मतलब वो कहेंगे अच्छा मेरे भाई का बच्चा है ज़रा देख लेना वो हम बुरा नहीं मानते लेकिन यहाँ स्टेक्स आए हैं यहाँ कई बार बहुत चीज़ बहुत अनफेयर लगती है कि अरे I deserved, मुझे आज भी लगता है सौरभ ये, ये मैं deserve करती थी उसको क्यों मिल गया लगता है आप भूखे एक्टर हैं तो आपको लगेगा और कहीं ना कहीं जहाँ दो लोग आपके लिए खड़े होंगे वहाँ चार लोग शायद किसी और के लिए खड़े होंगे तो यार ये तो मेरा रोल है और मैं और ना, फ्रस्ट्रेशन. Uh, और इसकी ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती है इसकी ट्रेनिंग देती है और आ, मतलब कड़क बना देती है जिंदगी आपको कि तो आप बहुत जो मम्मी के दुपट्टे खा रही हो पीछे खड़े हो के लाइफ इज नॉट दैट आप कर रहे हो शहीद आजम बूटा सिंह या है ना शहीद मोहब्बत भूटा शहीद मोहब्बत बूटा सिंह और फिर वीर ज्यादा में वो कह रहे हैं कि शब्बो का रोल कर लो यस yes. तो शब्बो का रोल केम टू मी मच लेटर पहले शहीद आ, उस वक्त मैं ये बता रही हूँ कि जब मैंने कुछ भी साइन नहीं किया था तो मैं हर दफ्तर में जाती थी <coughs> कि मुझे काम दीजिए मैं और कहा गया था कि आप सबसे मिलिए तो सबसे मिलने जाती थी तो सब कहते थे हाँ हमारी फिल्म शुरू हो रही है उसमें दो हैं एक आपको बता देंगे पपेचुअली क्योंकि वो वक्त था मल्टी स्टारर्स का और वहां पे बहुत मौका होता था मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो हूँ वो उस आ, उस आ, फ्रेम में फिट नहीं होती है टिपिकल वेरी ग्लैमरस हरोइन आई वॉज अ क्यूट गर्ल अ स्वीट गर्ल एंड अ गुड एक्टर लेकिन वो गुड एक्टर बात भी मुझे ही पता थी शायद उनको तो पता नहीं थी एक दिन मुझे लगा कि मैंने 22 फिल्में जो है वो साइन कर ली 22 बाईस एंड आई एक्चुअली कुछ ने मुझे एक टोकन दे दिया स्वीट लड़की मिठाई लेके आई आईवर तो दे दिया वाली लड़की स्वीट है चलो कभी आइए वाली फिल्में नहीं लेंगे अगली में ले लेंगे बिकॉज एक साथ बहुत सारी फिल्में बनती थी तो कोई मना नहीं कर रहा था तो मम्मी से रोज तकरीबन मेरी पंद्रह सोलह बार बात होती थी तो मेरी नानी ने मजाक उड़ाना शुरू किया डोंट यू शिफ्ट विद हर कि हर बार तो एक एक चीज तो तुम्हें रिपोर्टिंग कर रही है वो कि ममा ये हो गया मम्मा ये हो गया अब उसमें पता चला कि जो 22 फिल्में मैंने बोला कि शुरू हो रही हैं उनमें से सिर्फ दो शुरू हुई और उन दो की हीरोइन मैं नहीं थी कौन कौन सी दिवस सॉरी वीरगति नहीं 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 was... वीरगति तो की मैंने वीरगति आई वाज अच्छा दो शुरू नहीं हुई दो दो ही शुरू हुई बट आई वाज नॉट कास्ट मेरी जगह कोई और लड़की आ गई थी ओके okay. तो जब मैं घर आई जैसे आपने कहा कि हाउ डिड यू डील विद रिजेक्शन घर आई और uh, घर तो मैं बहुत सीधी आ गई बट व्हेन आई स्पोक टू माय मदर आई स्टार्टेड हाउलिंग कि रिजेक्ट uh, कैसे करते हैं क्योंकि मुझे रिजेक्शन कभी नाम सुना नहीं था जिससे आप पंजाब में बोलें भाई uh, ये चाहिए तो दस लोग आ जाते थे कि हाँ हाँ बेटा क्या चाहिए वेरी प्रोटेक्टेड बैकग्राउंड एंड सडनली यू बीन ड्रॉप लाइक दिस फ्रॉम नॉट वन बट आई वॉज ड्रॉप फ्रॉम मैनी मूवीज एक तो मैं सेट पे भी जाके वापस आ गई थी मुझे भेज दिया गया था कि, पत, कि बहुत पतली हो गई है uh, पहले क्यूट uh, लगती थी अब सडनली पतली हो गई तो मुझे पता नहीं होता था कि आपका मापदंड क्या है कि मुझे पतले होना है कि मुझे मोटे होना है कि मुझे लंबे होना है कि मुझे क्या बॉडी टाइप है वॉट डू आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड और रिजेक्शन मुझे लगता था कि यार आपने मुझे ऑब्जेक्टिफाई कर दिया कि तू चीज़ है अभी इस वक्त नहीं चाहिए हमें तो आई फेल्ट वेयर इज़ दैट ह्यूमैनिटी वो मैं ढूंढ रही थी और वो मुझे लगा कि बिज़नेस में नहीं होती है तो वो वो सीखनी पड़ी तो देन माई मदर टोल मी मैन शी केम टू बॉम्बे शी सर तू क्या इतना रो रही है मैंने कहा मम्मा देखो इस पिक्चर में से निकाल दिया इसमें भी रह गया वो मैं पिक्चर अगर शाहरुख के साथ करती आज मैं स्टार होती शी से नहीं हुआ ना कहा नहीं शी सिंह मे बी दैट्स नॉट फॉर यू एंड जिंदगी रुक गई तेरी तो ऐसे नहीं मम्मा जिंदगी तो नहीं रुकी शीश चल रही है ना तू कहा शी सिंह गो मीट आर दीपल यही लोग आएंगे तेरे साथ काम करने एंड ट्रस्ट मी सौरभ वही लोगों के साथ मैंने दोबारा बेहतरीन रोल्स uh, में काम किया बाद में सो रिजेक्शन इज नॉट ईजी टू टेक लेकिन ये बात है कि आप उसे बहुत पर्सनली ले सकते हैं एंड एंड यू नीड सामबडी जो आपको सुने वो बहुत ज़रूरी है बहुत बहुत ज़रूरी है दैट यू हैव एन ईयर टू 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 टॉक योर थिंग्स आउट कोई भी हो मैं खुशकिस्मती की मेरी फैमिली उस मामले में बहुत अच्छी थी लेकिन और क्या होता है कि बीच के लोग आपको बहुत गलत मिल जाते हैं uh, मैं आपको मिला देता हूँ मैं आपको कर देता हूँ uh, लेकिन शायद दोज आर नॉट द राइट पीपल तो uh, कई बार गलत रास्ते पे जाने से आप बिकॉज मेरे लिए ये था कि मेरी माँ ने मेरे पे ट्रस्ट रख के मुझे भेजा है ये नहीं हुआ कोई बात नहीं आई विल वेट मैं तो ऑफकोर्स uh, जैसा आपने कहा एक रोल आप अच्छा कर लेते हैं आपको फ्लड कर देती है इंडस्ट्री कि यही कर यही कर क्यों भाई मुझे वो नहीं करना है बार बार मैं बोर हो जाऊँगी आई नीड टू डू अदर थिंग आई नीड टू फील नर्वस तो वीर जारा के बाद मैं uh, एक साल घर बैठी थी एंड आई हैड गॉटन एटलीस्ट ट्वेंटी ऑफर्स विद द बेस्ट मेकर्स Uh, सेंख के वो लड़की चाहिए वो शब्बो चाहिए शब्बों को लेकर आओ क्योंकि शब्बो वॉज द टॉक ऑफ द टाउन शी वॉज द फ्लेवर ऑफ द सीज़न आई आई रियलाइज्ड वॉट फ्लेवर ऑफ द सीज़न इज़ लेकिन एक साल मैंने कुछ नहीं किया आंटिल राकेश मेहरा के मैन सेड दिल्ली छः करेगी जलेबी का रोल है ऐसा जलेबी पंजाबन है तो ही सज नहीं ऐसा प्यारी है चुलबुली है ऐसे नहीं इसे प्लीज़ आ जाओ करो ऐसे फिर मुझे क्यों ले रहे हो इसे मुझे लगता है तू अच्छी एक्टर है कर लेगी एंड दैट काइंड ऑफ दिल्ली छः ने मेरे लिए आ, मेरी सोच काफ़ी बदल दी क्योंकि मैं वो जो आ, दिव्या रखती थी एक रोल में हर क्योंकि दिल्ली छः का जो रोल था चले भी बिंदास थी आ, गाली गलौच करती थी आ, डिफेंस मैकेनिज़्म था उसका आ, वो लोकेलेटी की लोकल हॉटी जो होती है जिस पर सबकी बुरी नज़र होती है लेकिन कोई मानता नहीं है शी उज़ दैट तो उसके लिए बॉडी लैंग्वेज अलग उसमें भाषा अलग लेकिन uh, मैं जी वाली लड़की थी उस वक्त तक तो uh, राकेश मेरा बोला बहुत अच्छा कर रही है ऐसा सर कुछ ना आपने मुझे हरियाणवी सिखा दी आई नो इट सब अच्छा हो गया लेकिन समथिंग इज़ मिसिंग आई एम टेलिंग हिम ऑन द सेट इज समथिंग इज़ मिसिंग इसने कुछ नहीं आप अच्छा कर रही हैं कहा नहीं सर आपका दिल आपको हमेशा बताता आप माने नहीं माने लेकिन गट हमेशा सही होती है सो so, uh, सामने वहीदा जी खड़ी हैं ऋषि कपूर खड़े हैं अभिषेक हैं ओमपुरी हैं पवन मल्होत्रा हैं तो एंटायर कास्ट पता नहीं क्यों खड़े थे उस दिन शायद उनका सीन खत्म हुआ था या कुछ था पूरा वो जो हम सांभर में शूट कर रहे थे जयपुर में सेट लगा था पूरा गांव आया था वो सीन देखने के लिए जहाँ विजयराज विजय डंडा मार रहे हैं और मैं उसको गालियाँ दे रही हूँ तो मैं कहा राकेश जी समथिंग ना मैं लाइन सही बोल रही हूँ बट यहाँ नहीं आ रहा तो वो बहुत शांत स्वभाव के आए धीरे से बोले आपको ना आप बहुत अच्छा कर रही हैं आपको बस इतना करना है आपको दिव्या को बाहर रखना है आपको जलेबी को अंदर लाना है बस इतनी सी बात है बोलकर चले गए एंड द ग्रेविटी ऑफ वट ही सेड हिट मी रीवी हार्ड ऐसे तो दिव्या तो जी जी कर रही है दिव्याई को तो झिझक हो रही है कि मैं गाली कैसे दूँ दिव्या को ही झिझक हो रही है कि मैं दो बटन आगे के कैसे खोल दूँ तो मैंने कहा दिव्या जी अब आप थोड़ी देर के लिए एक वकफा लें बैठे आप यहाँ पर और जलेबी आएगी Hmm. जैसे ही आई थॉट आई एम जलेबी सौरभ माई बॉडी लैंग्वेज चेंज आई टोल्ड कि ऐसे निकली जैसे मतलब uh, मेरी ही भाषा थी जैसे में निकलती थी जैसे आप मुझे करेक्ट जानते हैं एकदम एब्सल्यूटली सो उस दिन मैंने जॉय ऑफ बींग एन एक्टर ऑफ री डिस्कवरिंग एवरी रोल आई थिंक दैट्स आई ये आप ये प्रकरण बता रही थी और मुझे इरफान भाई के साथ वो गिलास टूटने वाला सीन याद आ रहा था जी तो तब भी बहुत स्पॉन्टेनिटी के साथ गुस्सा आया उस सीन में इरफान के साथ पहली फिल्म थी वो मेरी दुबई रिटर्न जिसे कल्ट फिल्म माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि बाहर किसी ने देखी नहीं है तो मराठी रोल था और मराठी में उस वक्त सीख रही थी नहीं नहीं अभी अभी आम, तो उन्होंने कहा अभी तो इतने से डायलॉग्स हैं आप याद कर लीजिए मैंने कहा ठीक है इरफान उन्होंने जब से मुझे देखा उनके आंखों में ना एक वो थी नटखट पना जो होता है वो था तो मैंने कहा यार रिहर्सल सर रिहर्सल तो एक्चुअली बन आई तो इसे रिहर्सल करनी है तुझे मैं कह रिहर्सल नहीं करते एक लाइंस कर लेते हैं ऐसे ऐसे तो लाइंस ये थी कि उनको आना था मेरे घर पे उनको मुझे पानी पीकर ग्लास वापस करना था और मुझे उनको कहना था अच्छा चलो अब तुम जाओ टेक शुरू हुआ एक्शन बोला डायरेक्टर ने और आ, मैं ग्लास आ, की वेट कर रही हूँ कि ग्लास आएगा ग्लास आए और, आ ही नहीं रहा है और आई एम लाइक थोड़ी नर्वस गई क्योंकि नई थी ग्लास ही नहीं आ रहा या तो मैं कट बोल दूँ या फिर मैं इनके साथ चलती रहूँ जहाँ ये चल रहे तो फिर मैंने कहा मैं इनके हाथ से खींच लेती हूँ ये ग्लास तो शायद दे देंगे भूल गए शायद <laughs> ग्लास नहीं दे रहे तो मैंने ना ऐसे खींचा तो पकड़ और मजबूत तो मैंने उनके ऐसे देखा तो वो नटखटपना जो दिखा था वो मुझे फिर से दिखाने का ये ना कुछ खुराफात हो रही है इस सीन में तो आई सर शुड आई जस्ट गो विद इट बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग इट बट वेरी नर्वस वो एक मिक्सी फीलिंग थी कि एंजॉय तो करूँ बट कहाँ जाएंगे पता नहीं बट चलो इनके साथ हो लो ये जो भी है इनकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं तो uh, तो सडनली मैं ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं एंड ही जस्ट लेफ्ट द ग्लास लाइक दैट नो दैट वाज नॉट द सीन ग्लास टूट गया वो मेरे हाथ में आया ही नहीं तो uh, मैंने कहा मैं क्या करूँ आई कॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड जितनी मराठी आती थी मुझे उस वक्त मैंने सारी बोल दी फिर मैंने कहा छोड़ो मराठी इतनी आती है आगे अपनी गालियाँ बोल दो तो वो बोली और उनको मैंने कहा चल तू निकल यहाँ से एंड एट सडनली सिचुएशनली बिकेम वेरी फनी बहुत मतलब सब ना ऐसे खड़े थे ऐसे करके ना कि कहीं हम सीन ना खराब कर दें तो ऐसे किसी का मुंह टर्न हो गया कुछ हो गया एंड कट हुआ दरवाजा उनको मैंने धक्का मार के बाहर भेजा एंड कट हुआ एवरी वन क्लैप्ड सो आई वॉट जस्ट हैपन बिकॉज आई वॉज वेरी नर्वस मुझे लगा ये मेरी क्लास ले ली uh, इरफान ने लेकिन ही सेट बात है भाई तुम्हें एंड उसके बाद हम लोग आई थिंक वी डिड फोर फिल्म टुगेदर और दुबई रिटर्न में आप नर्वस थी और हिस की शूटिंग के दौरान वो, वो बेचारे नर्वस थे <laughs> जी और शर्मीले थे एंड वी हैड अ किसिंग सीन और तो मैं तो वैसे ही नर्वस आ रही थी एक सर, एक तरफ में मुझे नहीं पता है कि हीरो ऑलरेडी मुझसे भी कहीं ज्यादा वो छत पे बैठ के एकदम कांप रहा है <laughs> तो मैंने अपनी डायरेक्टर को पूछा आज जैन क्लास में शी सेड ही इज एट द टेरेस सो व्हाट इज डूइंग एट द टेरेस सेइंग मैं जा रही हूँ uh, 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 so, so और दोनों बहुत सीरियस थी कॉन्वर्सेशन में तो मुझे लगा कि मुझे भी घुस लेना चाहिए इस कॉन्वर्सेशन में नहीं नहीं uh, nah, nah, we'll uh, उसने मेरा क्या इरफान को ये बोल हटा दो नहीं ये नहीं बोल रहे थे she was trying to tell him व्हाट यू डीन्स ऑफ दैट सीन किस तरह की इंटिमिसी दिखानी है क्यों दिखा रहे हैं वो सब था कि एक चाइल्डलेस कपल है और तो नागिन का उन पर क्या अफेक्ट है वो हिस तो वही मलाइका मलाइका मल्लिका 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 शरावत <laughs> मल्लिका शरावत <laughs> तो वो चल रहा था एंड पहली बार मुझे उनको देख के इतनी खुशी हुई कि नर्वस है इरफान इज नर्वस लाइक कोई बात नहीं हो जाएगा हो जाएगा इज लाइक बट I know, I know. एक चीज मैंने देखी वहां सौरभ कि पूरा क्रू डायरेक्टर एडीज डिजाइनर्स डीओपी ऐसे खड़े कि आप एक बहुत वो सिर्फ इंटरमेट सीन नहीं था इमोशनल सीन कि जहाँ देर मेकिंग लव एंड देर क्राइंग वो बहुत खूबसूरत सीन था तो वो सपना ऐसे बैठे थे कि बस सीन अच्छा कर दो तुम उनके एक्टर हो तुम उनकी कहानी आगे बढ़ा रहे हो यू आर द पर्सन हुज गो नो टेल देयर स्टोरी तुम वो माध्यम हो वो आपको वो फील करा रहे थे व्हाट अ मैजिक वर्ल्ड दिस इज वहाँ पे जो मेरी रही सही इनहिबिशन थी वो भी चली गई सो आई थिंक हर हर सेट uh, पे कुछ ना कुछ मैं वापस लेकर ज़रूर आई और uh, कुछ खट्टी मीठी यादें कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ लर्निंग्स लेकिन एक बात कॉन्स्टेंट रही दैट आई वॉज ऑलवेज़ वेरी नर्वस और ये आज तक आज भी मैं नर्वस होती हूँ तीस साल हो गए इंडस्ट्री में हो जाएंगे मतलब अभी तो लेकिन सब कहते हैं हाँ यू कैन बी नर्वस बट आई एम बिकॉज इट्स नाइस टू री डिस्कवर इट्स नाइस टू फाइंड अ न्यू कैरेक्टर एंड लिव इट और उसकी नो ढूंढना वो कौन है वो क्या कर रहा है और पहले दिन आपको लोग कैसे देख रहे हैं और सबकी नज़रें ही आप पर हैं कि आप कैसे करेंगे Of of course you will be nervous. Now we are talking about about it. Please tell us US. your experience of, uh, doing the anchoring part for Sonu Sonu Nigam show in flight he was also coming to Delhi। रहे थे और उस वक्त मुझे अमेरिका के सारे शोज जो थे सोनू के वो मैं कर रही थी ये घटना किस शहर में हुई uh, ये मुझे शहर याद नहीं आई थिंक डैलस था या कोई आई डोंट रिमेंबर व्हिच सिटी इट वाज सो वन ऑफ द टू बट इट वाज अ बिग वो तीन uh, वो जो बालकनीज वाला बड़ा सा जो वो होता है तो नहीं डैलस नहीं था आई डोंट रिमेंबर व्हिच सिटी इट वाज सो तो मैं मुझे क्या था कि मेरी मम्मी लिखती अच्छी थी शेर बहुत अच्छे लिखती थी तो उनके शेर में लेकर जाती थी और वो पढ़ के उन्हें शो के साथ जोड़ देती थी, थी हम लोग को बिना उदाहरण के समझ में नहीं आता है अब आपने शेर का जिक्र किया तो आपको डॉक्टर साहब का कोई शेर पढ़ना होगा आ, कौन सा वाला पढ़े सुनाए राधव मैं आपको सुनाती हूँ सितारों से बातें करती हूँ सितारों से बातें करती हूँ मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ कभी कभी उनसे पूछ लेती हूँ क्या तुम्हारी तरह आसमां के अंधेरों में चमक पाऊंगी जिंदगी की इस शहर में क्या कभी टिमटिमाऊंगी तभी एक सितारा टूट जाता है मेरी गुमनामी की तरह किसी अंधेरे में दूर कहीं दूर खो जाता है फिर भी मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ होप दैट गिरो जो भी हो सितारों से बातें करना नहीं छोड़ना आई थिंक दैट्स बुक इज द स्टार्स स्काई क्योंकि इनसे बात करके शायद मुझे लगता है अब आपने मुझे कहा कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी देती भी बहुत कुछ है ये मेरा था। ये मेरा ख्वाब था टू बी आ, मैं आपको बताऊँ ये बाथरूम मेरे लिए बहुत आज भी मैं बाथरूम में ही रेडी हुई हूँ बाथरूम में ही एग्जाम्स के रिजल्ट करती थी और बाथरूम में ही डे ड्रीम करती थी ये जो डे ड्रीम करना है ना ये बड़ा ज़रूरी है मतलब मैं बैठती थी वहाँ पर और मैं कहती थी द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज़ टू दिव्या दत्ता दिव्या दत्ता एक्ट्स इज़ बींग डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा ये सब मैं बोलती रहती थी और ऐसा नहीं कि मैं एफमेशन्स कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं था ये मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि मैं ये ये करूँ और वो फिर हो गया तो जब मैं पीछे देखती हूँ मुझे लगता है कितनी लड़कियाँ आती हैं इस मुंबई बड़े से शहर में कितनी लड़कियों को ये पहचान मिलती है कितनी लड़कियों के लिए लोग खड़े होकर कहते हैं थैंक यू फॉर कमिंग इट्स ग्रेट इट्स अ जर्नी दैट जिसका रास्ता शायद मैंने खुद बनाया क्योंकि जब मैंने रास्ते बनाने शुरू किए थे तो अलग तरह की चीज़ें बनती थी अब uh, जो ओ आ गए अब वो वाला रास्ता शायद सब अपना रहे हैं लेकिन मेरे लिए वेल बिफोर इट्स टाइम था तो मुझे बहुत लड़ना पड़ा था इसके लिए कि आपको सिर्फ हीरोइन होना ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ uh, मतलब एक हीरो को रोमांस करना ज़रूरी नहीं है आई थिंक पहली बार मुझे एक तगमा मिला था अनकन्वेंशनल हीरोइन विद भाग मिलखा भाग कि ये हीरो हीरो को रोमांस नहीं कर रही है लेकिन शीज uh, बहुत जरूरी बड़ा प्यारा रोल है uh, और खासतौर पे वो जो आप लोगों ने इम्प्रोवाइजेशन किया ना व्हेन यू वी आर द ब्लेजर इन द ब्लेजर कुछ चीज़ें आई थिंक शायद ऊपर वाला कुछ आपको uh, बख्शता रहता है उस उस फिल्म में वो बख्श थी वो फिल्म uh, भाग मिलखा भाग uh, पहले तो मैं कर ही नहीं रही थी क्योंकि मुझे uh, फरहान पे बहुत ज़ोर से क्रश था और uh, तो, <laughs> तो तो जब मुझे राकेश मेहरा ने कहा कि यू हैव टू प्ले द सिस्टर सेड नो आई विल नॉट प्ले फ़रहान सिस्टर ही सिंग योर एन एक्टर रिमेंबर

हमेशा मुझे कुछ अलग दे दे राकेश, जी। राकेश जी हमेशा कुछ अलग दे देते दे कि अब ये कर रहे जस्ट थ्रोज इट एट मे मतलब चाहे वो क्रिकेट uh, टीम के साथ मेरा पहली बार तारुफ हुआ था डूइंग सैमसंग एट विद राकेश मेहरा हाँ, बड़ा मजेदार है हाँ। तो तब भी उनकी ना कुछ वो मैजिकल वर्ड्स आपके कान में किसी के भी कान में विस्पर कर जाते हो वो मैजिकल वर्ड्स का कुछ असर हो जाता है तो उन्होंने भाजी को भी उस वक्त बोला कि ये तो वो है शहीद मोहब्बत वाली आप बात ही नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी सेम वैनिटी थी तो पूरी टीम ठक 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 कर रही है मैंने कहा अभी तो बात ही नहीं कर रही तो वेरी वे 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 शाय कोई मेरे से बात नहीं कर रहा तो मैं बहुत एक्साइटेड गई थी कि आई एम मीटिंग द टीम हमें हेलो करने गए सबने कहा हेलो कौन कौन था भजी आ, राहुल थे आ, जाही, थे, कितने सारे थे बहुत, सा, बहुत सारे लोग थे, And, uh, तो suddenly all became friends. सिर्फ उतना ही इसको थोड़ा विस्तार से बताइए के के अंदाज में. स्क्रीन के अंदाज में. में कि uh, मुझे बनना था, शूट कहां पे था बिल्कुल विस्तार से? शूट मुंबई में था मुझे कहा गया कि uh, तुम जो हो वो एप्पल सब पूरी क्रिकेट टीम को पास कर रही कैच इट लाइक बॉल एंड वी कट टू देयर क्रिकेट एंड एवरी थिंग एंड ओके वेरी एक्साइटेड तो वैनिटी वैन के दो हिस्से थे एक कमरा मेरा और एक पूरी टीम का तो मैं उन सबसे मिलने गई बहुत एक्साइटेड कि मैं मिलती हूँ इनसे और फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ऑब्वियसलीट और फिल्में दो चीज़ें आप जो मर्जी कह लें यूल मैं गई और मैं सबसे मिली और सब और पी तो मुझे लगा कि पंजाबी पंजाबी एंड जलंधर लुधियाना हेलो एंड सो एवरीवन वाज लाइक दिस स्टिफ स्टिफ कि हाथ भी दे तो सोच के दे कि तो मैं वापस आ गई मुंह मेरा इतना सा उतरा हुआ शॉट पहला दे आई तो राकेश मेरा वेरी ऑब्जर्वेंट क्या हुआ ऐसे नथिंग तो ऐसे नहीं कुछ तो हुआ ऐसे नहीं उन्होंने मुझे हाई नहीं बोली ठीक से इसे अच्छा एंड देन ही लाफ एंड अगला शॉट ले रहे थे फिर बाद में ही वेंट एंड स्पोक समथिंग वो जो उन्होंने पजी के कान में कुछ किया वैनिटी uh, में आके उनकी वैनिटी में एंड सडनली थार 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 तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया व्हाट हैपेंड और मैंने बहुत सोच डर डर के वो दरवाजा खोला कि मैंने शायद गलती कर दी कि क्या हो गया एंड खोला तो सारे ओ तुसी दजया नहीं तुसी शहीद मोहब्बत वाले टटटटट एंड देन आफ्टर पजी एवरीवन के और मुझे लगा यही तो रिस्पांस दिया था यार पर आया कैसे एंड लुक डेट हिम एंड स्माइल वेंट में वो चले गए अपना काम करके तो वो हमेशा ऐसा कुछ करते हैं दिल्ली उन्होंने कहा जलेबी लिया दिव्या छोड़ दे ये मेरे लिए बहुत बड़ा मंत्र रहा हमेशा जब मुझे अटका कुछ के मैं कैसे करूँ मुझे लगता दिव्या को बेटा बाहर बिठाओ इसको अंदर ले आओ एंड द मैजिक ऑफ लिविंग समबडी एल्स लाइफ इज अमेजिंग क्योंकि कितने लोगों को मौका मिलता है कि आप इतनी मुख्तलिफ इतनी वरायटी वाली जिंदगी जिए उतने से टाइम के लिए और उन उन जिंदगी को फील करें एंड देन बी योर सेल्फ अगैन दिस इज़ आई थिंक अ प्लस प्लस तो आ, तो फिर वो किया और फिर भाग मिलखा जब की तो हाँ तो बात भाग मिलपा मिलखा पे वापस आई तो पहला दिन शूट का उसमें मैं नहीं थी पंजाब में शूट कर रहे थे एंड राकेश जी सर से जरा सेट पे आ जाना ही न्यू कि मैं ज़रा सल्क क्वीन हूँ <laughs> मैं सिस्टर्स <sisters> रोल <role. laughs> हिरोइन एंड एवरी थिंग वेवर सो ही सेट मीट योर ब्रदर एंड फरहान का बैक था मेरी तरफ और आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस वैन ही टर्नड ये सन्नाटा था पॉज बहुत बड़ा एक छोटा सा झटका लगा मुझे कि ये फरहान है आई यू श्यो और फिर खुद से ही बात की कि एक लड़के ने और मुझे हमेशा वो शहरी लड़का लगता था अर्बन मैं सोचती थी अर्बन लड़का मिल्खा जी कैसे बन रहा है इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इतनी मेहनत उसके चेहरे पे मुझे उसकी गेटअप में इन हिज इन एंटायर बॉडी लैंग्वेज आई कुड सी इट एंड राकेश जी न्यू के इसको दिख रहा है सब एंड um, बहुत मुझे um, क्या बोलते उसको यू आई फेल्ड लिटल्ड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतनी तुझ बात कर रही हूँ जब हम फिल्म कुछ और बना रहे हैं एंड देन आई सैम रेडी टू गो सा एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट डे इट वॉज इसरी और वो जो सीन की आप बात कर रहे हैं पहली बार मुझे ये उस सेट पे पता चला कि किरदार की भी सबकॉन्शियस मेमोरी होती है uh, हमारी तो होती है हमें फट से कोई बात कोई 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 को, किस्सा याद आ जाता है लेकिन किरदार का भी है ये मुझे नहीं समझ में आया so, सो हो ये रहा था कि मैं आ, आ, हमारा वो सीन हो गया था और उसका राकेश जी ने कहा कि एंड आप खुद दे दो इसको तुम्हारी मर्जी अब कोई आप पर चीज़ छोड़ दे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है तो मैं कहा यही कर लेते हैं इसे नहीं आपका जो मन करे डू इट एज़ यू फील इन द इन द टेक सो बिगिनिंग तो फरहान ने कहा कि ठीक है मैं डार्क ग्लासेस पहन के आऊँगा आसान ग्लासेस तो मैं कहा ठीक है मैं आपको फिर नहीं पहचानती और वो आप बर्तन माँज रही थी और मुझे तो याद भी नहीं है मुझे राकेश जी ने बताया कि जिस तुम उससे राख से बर्तन माँज रही थी वो गरम गरम थी वो गलती से आठ डायरेक्शन में गलती से रख दी थी आई डोंट रियलाइज इट कि मैं गरम हाथ जल गया मेरा या कुछ भी वो सीन इतना मैजिकल था दैट आई वाज ओनली लुकिंग एट हिम एंड रिकगनाइजिंग हिम वो वहाँ ख़त्म हुआ और जब वो हाथ डाले उस ब्लेजर के अंदर एंड वन आई हड हिम आई एम थिंकिंग बस ऐसे ही एक हक करके ये तो बड़ा क्लिश ये जहन में चल रही हैं बातें उस टेक चल रहा है कि बस ऐसे ही क्लिशे सीन कि जब भी हमारी भाई बहन ने ये तो और फिल्म में होता है ये चल रहा है मैं रो रही हूँ ये सब हो रहा है और इसके हमने कोई रिहर्सल नहीं की थी तो आ, मैं कह नहीं बट वेट अ मिनट तुम्हारे पापा ने नहीं बोला था तुम्हें कि ए, आ, उसको ऐसा सल्यूट नहीं किया था तो तू क्यों नहीं करी सैल्यूट ये कहाँ से आया इसरी का हमने सीन शूट किया था तीन महीने पहले जो बच्चे के साथ था दंग गर्मिल और वहाँ मैंने बाप को उनके साथ में ऐसे करते हुए देखा था सल्यूट और वो रह गया जहन में और मैंने ऐसे एम्ब्रेस छोड़े या नाई सल्यूट अब ये तो आ, मैं ही शौक थी कि ये कहाँ से आया सब शौक़ हो गए कि ये तो हमने बताया नहीं था लेकिन दैट सीन एवरी वन स्टार्ट क्राइंग देर द डीओपी डेंट्स से कट राकेश जी वॉज क्राइंग फरहान वॉज क्राइंग आई वॉज क्राइंग Um, वो मोमेंट मेरी जिंदगी का आई थिंक बहुत ही खूबसूरत लम्हा रहेगा सो या हम बात कर रहे थे मुंबई के अमेरिका के कॉन्सर्ट में आपके कुछ एक्टर तो कुछ तो गेस्ट ऐसे होंगे ना जो ऐसे जंप करते हैं

आपने मुझे मम्मा का शेयर सुनाने लगा दिया और उसके बाद मैं कहीं और चली गई मेरी गलती है। <laughs> नहीं नहीं जी तो उसके बाद तो वो शेर मैंने पढ़ा और लाइंस इंट्रोड्यूस की एसी बंद हो गए थे सब एंड सब गर्मी लग रही थी तो आगे पांच रोज में कुछ लड़के बैठे थे एंड दे स्टार्टेड हुटिंग जिस चीज से मुझे बतौर आ, एक्टर चाहे आप कह लें या स्कूल में या कहीं हुटिंग से बहुत मुझे खौफ था कि हुटिंग ना कोई कर दे रिजेक्शन वो फर्स्ट uh, थिंग कि यू आर रिजेक्टेड इज पीपल डोंट वांट यू ऑन स्टेज पीपल डोंट वांट यू देयर तो वो वाली फीलिंग आ जाती थी एंड आई बेल्ड अप और मैं रोने लग गई और मैं वापस आ गई किसी ने सोनू को बताया कि दिव्या तो रो रही है hmm. तो सोनू गॉट वेरी एंग्री ही केम बैक एंड ही टोल्ड द ऑडियंस कि uh, हम आपके देश से आएँ आपको एंटरटेन करने आए आएँ जितनी गर्मी आपको लग रही है उतनी हमें भी लग रही है hmm. तो हम तो आपको अच्छी मेमरीज़ देके जा रहे हैं आप हमें क्या मेमरीज देके जा रहे हैं कि आपने एक एक लड़की जो नई आई है जो आपको uh, एंटरटेन करने की कोशिश कर रही है आपने उसे uh, इस तरह का बिहेवियर दिया सो दे वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब जिसे कहते हैं कि दिल से सबको बुरा लगा कि हमने ये क्या किया एंड ही सेड आई विल नॉट स्टार्ट द शो आंटल यू चेयर ऑफ दिस गर्ल पूरा हॉल ये लेवल दूसरा लेवल तीसरा लेवल खड़े होके उन्होंने तालियां मारी एंड आई वाज वॉज कि ये कौन सी दुनिया एंड मेरी नज़र सिर्फ उस पर जो मेरे से नाराज खड़ा है सोनू उधर अच्छा मेरे से क्यों नाराज़ खड़े एंड आई वेंट, ही हेल्ड माय हैंड ही ब्रॉट मी है हमेशा ऑडियंस को देख के बात किया करो लाइंस uh, uh, रटने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें लगे वो तुम ऑडियंस uh, को अगर ये पसंद नहीं आ रहा है uh, तो बदल दो बट टॉक टू दैम ऑलवेज टॉक टू ऑडियंस दिस इज वॉट आई लर्न फ्राम हिम एंड टू डेट मैं रिटर्न uh, स्क्रिप्ट पे नहीं कर सकती मैं बात करके ही होस्ट uh, करती हूँ थैंक्स टू सोनो कभी टाट पड़ी बोलने को लेके छोटे में बड़े में हाँ मेरे पे शर्तें लगती थी वो नहीं गिनते होते थे कि दस पे अगर नहीं बोली तो बैठ हार जाएंगे तो दस में मैं बोल लेती थी गिनती दस की गिनती में इफ यू कीप क्वाइट सो आई लाइक टॉकिंग मुझे बट uh, टॉकिंग uh, uh, बड़ी स्ट्रेंज बात है कि मेरी दो अलग इमेज हैं uh, एक तो काम वाली इमेज है जहाँ वेरी स्ट्रेंजली थोड़ा डरते हैं लोग मुझसे सेट पे लेकिन जब जान जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं लेकिन वो जो पहला है हाँ तो ये मुझे सब बोलते हैं कि uh, डर्थ इज़ नॉट द राइट वर्ड इंटिमिडेट हो जाते हैं कि uh, अच्छा वो वो आ रही है तो मैंने कहा आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑल्सो मैं सीरियस रोल्स करती हूँ शायद तो इमेज uh, शायद वो हो जाती है लेकिन बतौर uh, मतलब मैं जो पर्सनली आई एम स्टुपिडली फन लविंग आई एम अ चाइल्ड एट हार्ट तो मेरे घर में दो बच्चे हैं मेरा नीज़ और नैफ्यू उनसे मैं छोटी हूँ घर में ऐसा माना जाता है कि किड इन द ब्लॉक आई एम द दंगेस्ट किड इन द ब्लॉक एंड आई एम नॉट इवन पहले तमीज़ से बुई नाम शुरू हुआ था अब तो वो भी नहीं बुलाते अब भी बुलाते हैं कि ये छोटा uh, बच्चा है इसको हम सब सिखा रहे हैं तो uh, वो मुझे सिखाने आते हैं so, सो मुझे वो वाली साइड बहुत अच्छी लगती है तो जब वो साइड आती है ना तो मैं बहुत बोलती हूँ सो बेसिकली वैन एम कम्फर्टेबल एंड आई एम एट ईज देन आई टॉक अलॉट बट वैन आई एम नॉट कम्फर्टेबल एंड आई डोंट लाइक द पीपल अराउंड मी देन आई एम द बिगेस्ट खड़ूस छुपाना <laughs> <laughs> uh, बताना एक्टिंग की बात कर रहे थे जब स्टार डस्ट के उस कॉम्पिटिशन के लिए गई थी आप क्या परफॉर्म किया था uh, मेरी मोनो एक्ट था लिखा हुआ मोनो एक्ट था माँ ने लिखा था अभी तक नाम याद है मैं गुम गई एक बच्ची की जर्नी थी और ये शायद मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि वो मोनो एक्ट क्या था बच्ची गुम गई है और वो अपनी माँ को ढूंढ रही है एंड हर उसे जगह पर कहीं ना कहीं कोई मिलता है जो उसे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कहीं और भेज देता है लेकिन माँ के पास नहीं भेजता सो दैट वॉज द थिंक और मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी का कंपटीशन uh, था और मेरे एग्ज़ाम्स थे सेकेंड uh, ईयर था कि फर्स्ट ईयर था सो आई वाज रिप्रेजेंटिंग पंजाब यूनिवर्सिटी तो तो उधर सब लड़के आए कौन से कॉलेज में थे आप मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन सो चंडीगढ़ लुधियाना लुधियाना हाँ चंडीगढ़ इज़ जी सी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स तो वो परफॉर्म किया मैंने और मेरी माँ ने ऐसा टाइट हाथ पकड़ा हुआ मेरा कि सब लड़के हैं एंड uh, लड़कों का एक ग्रुप होता है ना तो जब वो आया था मतलब पंजाबी तो फिर वो होता है ना चढ़ा देगा वो चल चखते फटे चखते फटे यहाँ पे एक लड़की आ गई छोटी सी और यहाँ कोई चक दे फटे कर नहीं रहा था तो मैं अकेली चढ़ गई उधर और एंड देन मैन आई डिड दैट थिंग तो चार यूनिवर्सिटीज में से वो स्टेट लेवल पे एग ऑल द बेस्ट एक्टर तो सब हैरान हो गए फिर मेरे लिए चकते फटे हुआ फिर मैं ऐसे कूदती फांती आई तो जब स्टार्ट के लिए सिलेक्शन हुआ और ये सिलेक्शन भी बहुत अजीब था कि वो बाथरूम जो मेरी एक आ, मुझे एलोकेटेड लाइब्रेरी थी उस वक्त की क्योंकि मैं सो जाती थी पढ़ते पढ़ते लेट के आ, पढ़ती थी और फिर कुछ बोरिंग होता था तो आई वुड स्लीप सो so, साइड क्या पढ़ाई कर रही थी कुछ भी जो भी पढ़ती थी साइकोलॉजी फिलोसफी इंग्लिश मेरे सब्जेक्ट सब्जेक्ट थे। हाँ तो आ, ये जब पढ़ रही होती थी तो मतलब फिर मुझे होता लेट जाओ थोड़ा और लेट जाओ फिर देन गॉन स्लेप्ट तो सो माई मदर सैड इज़ दर अ वे दैट यू के नॉट लाई डाउन एंड स्टडी सो आई देन गिव मी अ प्लेस आई कांट लाई डाउन गो टू द बाथरूम सो देन शी एलोकेटेड मी अ बाथरूम जो बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता था एक बाल्टी का मैंने टेबल बनाया और जो चौंकड़ी होती थी उसकी मैंने कुर्सी बनाई और वहाँ बैठ के पढ़ती थी स्टार्टस मैगजीन का फॉर्म था उसमें वो भर दिया था मैंने और वो भर दिया ऐसे ही और थोड़ी ना पता था आप सिलेक्ट हो जाओगे बाथरूम तो वो जगह थी जहाँ डे ड्रीम करते हैं और फॉर्म उसका एक हिस्सा था तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिव्या दत्ता वर्किंग विद गोविंदा वर्किंग विद वन कर रही थी मैं वहाँ बैठ के सब तो आ, लेकिन वो फॉर्म भर के भेज दिया मैंने आई गॉट द लेटर कम टू डेली फॉर इंटरव्यू तो आ, फिर माँ को बताया मैंने कि मम्मा नहीं उसने हमें बुलाया नहीं शीश तस्वीरें भेजो और मेरे भाई ने कहा कि आ, आ, भाई मेरा छोटा ऐसा कोई फोटोग्राफर थोड़ी था तो जो मैगजीन्स देखते थे और मेरे लिए जो ग्लैमर उस वक्त डेफिनेशन था ग्लैमर का तो अपने सलवार कमीज पहन के कोई छोटी सी ड्रेस पहन के साइकिल लेके कहीं पे कोई पोज बना के डिजास्ट्रस टेरेबल पिक्चर्स लेकिन मुझे लगा कि बहुत अच्छी तस्वीरें हैं और वो हमने भेज दी शायद गलती से एडिटर को भी लगा कि वो बहुत अच्छी तस्वीरें उन्होंने वो आगे भेज दिया तो मुंबई में फाइनल राउंड्स के लिए मैं सिलेक्ट हो गई और मेरी माँ के पास मैं और मेरा भाई ऐसे हाथ पकड़ के दोनों गए जैसे कि हमने कोई बहुत भारी गलती कर ली है और अ, मेरे एग्ज़ाम्स चलने वाले थे एंड शी सेट हाँ तो सैट मम्मा मैं ना सिलेक्ट हो गई तो शी सेट किस पे तो मैं कहा वो एक टैलेंट हट का था फॉर्म वो मैंने भर दिया एंड शी लुक एट राहुल एंड वो तो नीचे ही देख रहा था कि अगर ज़मीन खुल जाए तो मैं चला जाऊँ मैं कहाँ से फंस गया मैंने तो फ़ोटो ही खींची थी तो सो आई सेट इसको तो मैंने बोला था बट आई आईट इट आई वॉन्ट बी एन एक्टर शी जिसलाई यू शो एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज आई वॉज नोर शोर ऑफ़ एनी थिंग और मैंने कहा हाँ ममा मैं शोर हूँ मुझे एक्टर बना है शी सेट इन दैट केस मैं चलती हूँ तेरे साथ मैं ये इतना आसान हो गया कि मान गई और वो मान गई थी मुझे लगा मजाक कर रही है डांट पड़ेगी अभी ये या कर रही है एंड ऑल दैट फिर मेन प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नहीं uh, उसको क्या बोलते हैं uh, रास्ते में वो जो था वॉइस ऑफ रीज़न मेरी नानी uh, नहीं ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है ये कैसे चली जाएगी तो मम्मी ने कहा जाके तो आने दो देखते हैं कभी क्या, क्या होता है एंड शी एंड आई वेंट टू मुंबई और मेरे मामा डायरेक्टर थे बहुत नामचीन सेवेंटीज़ एटीज़ के बारी साहब बारी साहब uh, दीपक बहरी तराना एजेंट विनोद उनकी वो फिल्में थी और अब काम ओरिजिनल एजेंट विनोद ओरिजिनल एजेंट विनोद और तराना एंड uh, तो उनकी uh, गर्मी की छुट्टियों में हम लोग उनके घर आते थे uh, मैं तो इसलिए आती थी कि मैं शूटिंग्स भी देखूं उनसे भी मिलूं और मुंबई की जो uh, फिल्म नगरी जो है जैसे कहते हैं स्वप्न नगरी जो आप बोलते हैं वो मुझे उसका अट्रैक्शन बहुत था एंड सो या सो देन मम्मी आई साथ में तो एक डर भी था कि ये तो फिल्म किया है, इनको मालूम पड़ जाएगा कि मैं इस ऑडिशन uh, के लिए आई हूँ तो बट uh, हमने इसे सीक्रेट रखा माँ बेटी ने दोनों ने और वो वाला मोनोलॉग जो था मैंने फिर मेरे सामने यश चोपड़ा बैठे हैं शेखर कपूर बैठे हैं सूरज बरजात्या है, सुभाष घाई ये चार नामचीन लोग जिनको जिनकी फिल्में देखकर आप कहते हैं कि हमें फ़िल्मों में होना है एंड यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ दैम तो वो नर्वसनेस उस वक्त आई बहुत ज़ोर से और बहुत खलबली अंदर चल रही है कि क्या बोल पाऊँगी वही मोनोलॉग जिसके लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है यहाँ पे एक वर्ड भी निकलेगा क्या मुँह से बट निकला वहाँ कोने में एक औरत बैठी थी वो ऐसे करके पूजा कर रही थी इतनी सुंदर लड़कियों में लंबी ऊंची प्यारी लड़कियाँ और मुझे लगता था इसको भी ले लो इसको भी ले लो लेकिन मुझे ज़रूर ले लेना ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी <laughs> तो आई एम लाइक थिंकिंग लाइक दैट लेकिन आई सॉ एम मदर एंड आई सौ हर ट्रस्ट इन में कहा यार क्या ट्रस्ट है इसको एक तो आ गई है साथ में फॉर समथिंग एज अनप्रडिक्टेबल एज दिस थोड़ी पता है कि हम सिलेक्ट होंगे बट मौका है तो मौका छोड़ेंगे नहीं तो वहाँ फिर मैंने परफॉर्म किया एंड आई बिकेम द एडिटर्स चॉइस और फिर हम जब लौटे तो फिर एक शादी का रिश्ता भी आया मुझे अम्बाला में आ, डांस करी थी बच्चन साहब के उसमें शादियों में तो सब डांस करते हैं और आप अठारह में आपको आ जाते हैं रिश्ते तो मेरे अंकल आए बोले सुनो यूएस का लड़का है डॉक्टरी पढ़ रहा है अभी कुछ साल में डॉक्टर बन जाएगा वेरी गुड मैच दिव्या सो so, माँ नानी वेरी एक्साइटेड सब रिश्तेदार बैठे मैं कहा ये भगवान अभी तो मैं वहां से आई हूँ सिलेक्ट थोड़ा डिटेल बताइए पंजाबी के डायलॉग्स के साथ बातें हुई नानी क्या बोली तो नानी ऑलवेज थॉट कि भाई इसको पढ़ लेना चाहिए जैसा वॉइस ऑफ रीजन कि भाई सिक्योर जिंदगी और मैं अगर उनके तरफ से सोचूं तो वो गलत भी नहीं थी कि मेरा बच्चा सिक्योर रहे आ, उसका फ्यूचर ऐसे डावाडोल नहीं रहे कि एंड एट अराउंड थर्टी ईयर्स बैक इंक्रेज थोड़ी करते थे पेरेंट्स अपने बच्चों को आ, जैसा आपने मेरी इंट्रोडक्शन में कहा कि मुझे तो मुर्गा बनाया गया था और उसके बाद कितने सालों बाद वही स्कूल के बच्चे जब टूर पर आए तो मेरे घर आई वो टीचर्स उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा टैलेंटेड बच्चा है इसको रोल मिलेगा क्या ऐसे तो क्या ये ये जो फेसिंग द फायर था ये सिर्फ मेरे लिए था क्या मतलब सो द फर्स्ट आई थिंक ऑलवेज बिकम दैट डिफ़िकल्ट तो नानी बैठी थी और uh, सब रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि तुम्हें डांस तुम डांस कर रही थी तो उनको बहुत अच्छी लगी तो दे दे ऑफर्ड मैरिज तो दे जस्ट वांट टू गेट इंगेज राइट नाउ मैरिज यू कैन डू लेटर आई वाज लाइक ये तो मेरा ख़्वाब यहीं गया क्योंकि मुझे दो महीने में एग्जाम्स के बाद uh, जाना था वहाँ पर ट्रेनिंग uh, के लिए तो uh, uh, तो मैंने कहा अब मैं ना कैसे बोलूँ बिकॉज वो अंकल वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टेड इन द हाउस एंड आई वॉज अबाउट टू से वट एवर एंड आई हर्ड अ नो फ्रॉम बिहाइंड एंड इट वॉज माई मदर एंड शी सेड नहीं ये अभी शादी नहीं करेगी अभी इसको कुछ और करना है शी डेंट डिफाइन कुछ और लेकिन वो कुछ और मैं समझ गई कि ये कुछ और मेरे लिए वाकई बहुत सारे गेट्स खुल गया एंड uh, उस दिन जो माँ बेटी नाचे उस शादी पे आई थिंक वो कुछ और ही था <laughs> so, so yeah. हम लोग सिनेमा की खूब बातें कर रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ठहर के अपनी नानी की बातें बताएं कितना जिक्र करती थी पाकिस्तान में वो जब जो कुछ भी छोड़ आई थी उन सब चीजों का देखिए मेरी मम्मी जो थी बहुत छोटी थी जब पाकिस्तान से आई आई थिंक भी थ्री तीन चार साल तीन साल की थी नानी और नानी ने बहुत कुछ देखा था और जिक्र करती थी आप लोग जिक्र करती थी बट नानी वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो आपको बहुत प्यार करती थी लेकिन उन्हें दिखाना नहीं आता था तो बोलती थी कि खाना नहीं वेस्ट करना है बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है उतने मिलता नहीं खाना एंड देन आई वुड आस्क मम्मा कि वो डबीन बाय उठे मिलता नहीं है खाना एंड देन मदर वुड से कि हम जब ट्रेन चढ़ रहे थे तो खाना नहीं खाया था हमने चार चार दिन से एंड माई मदर ऑलवेज लव्ड फूड बहुत खाने की शौकीन थी मेरी माँ तो बोली एक मट्ठी पड़ी हुई थी वहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म पे तो मैं वो मट्ठी लेने माँ का हाथ छुड़ा के मट्ठी लेने भाग गई थी एंड नानी रैन आफ्टर हर के चल ट्रेन चली जाएगी एंड वो मट्ठी शायद वहीं छूट गई एंड वो जो टीस रह गई कि खाया नहीं और भूख लगी और हाथ से छूट गई शी सेट आई विल नेवर लेट यू वेस्ट फूड तो खाना मत वेस्ट किया कर सो आफ्टर देट आई रियलाइज वट माई नानी सिंह बट नानी इन हर ओन वेज शी वॉज अ टीचर बट बहुत uh, uh, कुछ लोग अपना स्ट्रेस जो होता है ना वो अपने काम में डाल देते हैं एंड देट मेक्स अ लॉट ऑफ आर कंट्री वे जो शायद फेस uh, ही नहीं करती कि मैं उदास हूँ कि मैं uh, मैं स्ट्रेस में हूँ कि मैं एंशस हूँ कि मैं uh, क्या फीलिंग फील feel कर रही हूँ वो काम में अपने आप को इतना मसरूफ कर लेते हैं दैट यू फील ये भी करिए ये भी करिए ये भी करिए वैन विल यू टॉक टू मी

तो ये महिलाएं मेरी जिंदगी में ऐसे एक रॉक की तरह खड़ी रही <laughs> सिलसिला शुरू हुआ था के से, जी. आप जब वो बता रही थी और आपके भाई ने वो फोटो खींचे थे जी. तो मुझे एक दूसरे इंडस्ट्री के भाई याद आ गए उन्होंने भी आपकी बड़ी तस्वीरें खींची हैं सलमान खान <laughs> यस यस सलमान के साथ मैंने वीरगति की और यही किस्सा ये यह दो ही लोग थे आप ये मत सोचना कि जिसके साथ काम करते उसमें भी वो मेरे भाई थे तो तो उधर भी आई वाज was... नहीं नहीं और फरहान को तो बिल्कुल भाई का रोल नहीं करना चाहिए <laughs> नहीं नहीं सलमान आल्सो फॉर मी वाज लाइक ऑल दोस फिल्म्स तो इट वाज लाइक सलमान की बहन कैसे बनूं तो एंड आई थी तो कबूतर जा जा आपसे से उधर एंड ही वॉज़ माई वेरी फेवरेट एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सलमान का ये भी है कि मेरे मामा ने एक फिल्म अनाउंस की थी और उसका महूर्त था तो उसके लिए उस महूर्त पे जाने के लिए मैंने पंजाब में मैं तब स्कूल में थी तो मैंने पंजाब में तैयारी शुरू कर दी मतलब अब मैं सोचूँ तो मैं हँसूँगी कि मैं क्या बनवा रही थी वो लेस का कुछ तो ड्रेस बनवाया और उसमें रेड कलर का पता नहीं क्या क्या है वो वाली पिक्चर नहीं आपके पास है वो पिक्चर वो बाद की है <laughs> अगले दिन खंजर खा के उसके बाद फोटो खिंचाने गई थी <laughs> तो देखिए डे ड्रीम करने में कोई हर, हर, वो नहीं है प्रॉब्लम तो मुझे था कि मैं आ, मैंने अपने मामा से एक तरीके से पूछा इस पिक्चर की हीरोइन हो गई क्या इसे नहीं नहीं हिरोइन हम ढूंढ रहे हैं अभी मैं कहा ऐसा अगर हो जाए कि मैं पहले रो में बैठ जाऊं और मामा की भांजी हूं तो बैठ सकती हूँ पहले रो में तो बैठूंगी और लाल ड्रेस में जब सलमान मुहूर्त के लिए आएगा तो सबसे पहले उसकी नजर मुझ पर पड़ेगी okay, ये लड़की को अब कितनी आप किस कौन सुन्दर है? सुन्दर लड़की कौन है है ये ये सुंदर सुंदर लड़की नारी साहब इसी को लेते यही सोचकर मैंने वो लाल कपड़े सिलवाए थे तो वो लाल कपड़े वर क्रिंज वर्दी दी तो वो पहन के मैं बैठ गई सलमान ने नीचे देखा तक नहीं वो स्टेज पे ऊपर आगे देख के अपना मुहूर्त शॉट करके निकल गया आई गॉट सो डिजेक्टेड मैंने कहा इतने तो नीचे भी नहीं थे खावे तो कपड़े भी नहीं देखे तो मैंने कहा अब यहाँ पे थोड़ा सा नेपोटिज्म होगा <laughs> so, मैंने कहा मामा मुझे सलमान से मिलाओ मेरे को फोटो खींचनी है घर जाना है वापस हीरोइन तो बन नहीं रही एक फोटो तो खिंचा दो <laughs> 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 बहुत मतलब कुछ तो मिले तो फिर

कूद जाती थी पंजाबन थी के, तो आई जम्प्ट ऑन हिज गोदी लाइक इन अ वेरी फनी वे तो पड़क से करके उनकी गोदी में आ गई तो उनको ना हंसी आ गई तो वो बैक शॉट था उनका तो हंसते जा रहे हैं कहा नहीं हंस रहे हैं तो मे बी ही बीटेंट लाइक मी और समथिंग फिर कट टू मेरा डेथ सीन है मिस <laughs> तो डेथ सीन चल रहा है तो डायरेक्टर हमारे बड़े स्ट्रिक्ट थे तो उन्होंने कहा कि अब तुम यहाँ से गिरी हो और तुमको धक्का दे दिया तुम मर रही हो तुम अपने भाई को देख रही हो लास्ट नज़र आखिरी नज़र जो देखते हैं तब नाइन्टीज़ मूवीज़ के तुम देख रही हो और फिर तुम आखिरी सांस लेना और दाए अब मुझे वो आखिरी सांस तो ले लेती थी, थी पर मुझे वो सांस रोकना ही नहीं आ रहा था बिकॉज वो लंबा शॉट था एंड इट uh, मतलब आई हैव नेवर बीन मोर एम्बेरस्ड कट हो रहा है टेक 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 टेक, टेक ये नई लड़की को आ नहीं रहा है नई लड़की को आ नहीं रहा है सीन्स अच्छे हो गए थे मरना नहीं आ रहा है तो सलमान uh, का पैकअप हो गया सलमान अबाउट टू लीव एंड वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो गाड़ी में बैठ रहे थे तो उन्हें ए डी ने जाके कहा कि uh, उसने कहा पैकअप हो गया क्या इसे नहीं नहीं वो लड़की को मरना नहीं आ रहा है सो शट द डोर ऑफ द कार एंड ही केम बैक दैट डे आई सॉ द रियल सलमान ही सो प्रोटेक्टिव मैं कहा लेओ अभी ऑलरेडी वो मेरे पे हंस रहे थे अब ये और करेंगे अब इनको मरने वाले सीन में भी बिठा दिया तो मैं और नर्वस हो जाऊँगी आल बिकम वेरी कॉन्शियस तो बट ही सेट दिव्या वेरी सीरियस सलमान आई सेट ये कौन सी साइड है इनकी तो हंस रहे थे ही सेट मैं तेरे मैं कैमरा के बिल्कुल पास बैठा हूँ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे कर बहुत प्यार से बोले मेरा तो uh, पूरा वो मूड ही बदल गया ना लाइक इतने प्यार से अगर कोई कुछ कह रहा है आई हैव टू लिसन टू हिम चाहे मेरा सांस रुक रहा है ही सेड आई काउंट फॉर यू आई नो योर क्लास्ट हो आई काउंट फॉर यू एंड आई विल डू इट विद यू तो आई मे आई ड अरे वाह एंड ही सैट वहाँ पे और uh, मर रही हूँ तो देख तो उनको ही रही थी एंड मिट्टी पर उन्होंने अपना चेहरा रखा ताकि मैं नीचे देखूँ मिट्टी पर चेहरा रखा एंड ही इज़ काउंटिंग वन टू एंड आई एम स्टॉपिंग माई ब्रेथ और वो जब उन्होंने दस गिने डायरेक्टर ने कट बोला आई डेंट हैव वर्ड्स टू थैंक हिम इनफ और उसके बाद उनकी और मेरी दोस्ती हो गई घर से खाना आता था, था और मेरी तस्वीरें खींचते थे वो एक दिन मुझे लगता था वो मेरी खिंचाई करते हैं तो मुझे बोले एक दिन इधर आ मैं तेरी फोटो खींचूँगा ऐसा मेरी फ़ोटो खींचोगे तो मैं तो आई वॉज नो बडी ऐसा मेरी क्यों खींचोगे इस ना आ ना बहुत अच्छी लोकेशन है तो एक खंडहर में हम शूट कर रहे थे खंडहर में उन्होंने मेरी अच्छी सी फोटोज़ खींची एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो टी शर्ट्स बनवाई उन्होंने मेरे लिए मग्स बनवाए जिन पर वो तस्वीरें डाल के ही सेंटर टूमी तो जब आप शुरुआत करते हैं ना सौरभ और आपके साथ लोग अच्छे होते हैं आप उन लोगों को कभी भूलते नहीं हैं आप हमेशा याद रखेंगे कि मेरी शुरुआती टाइम uh, तो, पे जब मुझे लोगों की ज़रूरत है कौन मेरे साथ खड़ा रहा सो आई आई वुड नेम हिम आई वुड नेम शाहरुख ब्यूटिफुल पीपल इन साइड आउट इन सची फर्स्ट एनकाउंटर बेचारोक हाँ, हाँ। <laughs> यस यस पहले तो हमारे कॉलेज में ये अनाउंस हो गया था कि अभी आ रहा है कॉलेज में तो सबको ऑफ़ कोर्स क्या उस लड़की ने फर्जी खबर तो, तो ने इसका मैं, सक... मैं मतलब डेप्टी हेड गर्ल थी उस वक्त कॉलेज की तो मेरा बनता नहीं था कि क्लास छोड़ के बाहर खड़ी रू लेकिन मैं खड़ी थी कि फौजी अभी मिस हो गया तो देन वी गॉट टू नोट वॉज ऐसा कुछ था नहीं लेकिन शाहरुख हमेशा जहन में एक बहुत फेवरेट रहे तो एक फिल्म थी उसके लिए मैं वो अपनी तस्वीरों का एक फाइल बना के आई वॉज गोइंग आप वीनस का ऑफिस था प्रोडक्शन हाउस का तो मैं आप बाज़ीगर का जिक्र नहीं करती है मतलब ऐसा कुछ नहीं है कर भी सकते हैं बाजीगर थी फिल्म मैं नीचे उतर रही थी फाइल दिखाकर वो ऊपर जा रहे थे और मैं वही ओवर थिंकिंग के पता नहीं अच्छा लगा कि नहीं लगा एंड ऑल दैट And tukraiyam, very small staircase tavo. And he said, "I'm so sorry, I'm so sorry." And he bent down to get my pictures, and I'm like looking. <laughs> 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 so I'm like, "No problem. It's alright. It's alright." And he says, "No, no, no. Hey, Devi hi. This is Sharukh." I said, "Wait a minute. How does he know my name?" And then I realized he had seen the, the shortlisted. गर्ल्स के नाम उन्हें बताए होंगे सब ही वि गुड लक एंड एवरी थिंग एंड फिर इट वॉम्ड माई हार्ट टू नो किसी ने कोशिश की किसी ने एक एफर्ट किया आपको पर्सनली जानने का ज़रूरत नहीं है आपको एक न्यू कमर को जानने की या कौन शॉर्ट लिस्ट हुआ है एंड uh, फिर हमारा मैनेजर सेम था बाद में कुछ दिन के बाद दिल से बन रही थी उस वक्त और uh, तो मैं बहुत डेस्परेटली आई वॉन्टेड टू मीट मनी सर कि मुझे एक बार मिलना है एक कॉलिंग आती कि मुझे करनी है एफ एम तो मिल के अपना बेस्ट तो दूँ फिर हो ना हो वड एवर सो माई मैनेजर सेट शाहरुख की शूटिंग द इन डेली इफ़ यू आर इन डेली यू कैन गो मीट हिम सो आई से ओके बट कैसे ही सज़ वो आप इतने बजे खड़े हो जाना कैनॉट प्लेस में एक्शन सीक्वेंस चल रहा है वो आपको ले जाएंगे तो मेरे पास मोबाइल नहीं था उस वक्त कैनॉट प्लेस को मैंने इतना भरा हुआ आज तक नहीं देखा मतलब पाँव रखने की जगह नहीं सब शाहरुख को देख रहे थे एक चेस सीक्वेंस चल रहा था और मैं कोशिश कर रही हूँ कूद के देखने की कि मुझे कौन लेने आ रहा है या वट एवर जो जगह बताई गई थी पाँच मिनट तो उसके ऊपर हो गया होगा तो मैंने कहा अभी इतने सीक्वेंस में और उस वक्त वैनटी वैंस भी नहीं थी तो शाहरुख वॉज अराउंडरो तो आ, मैं टर्न की क्या मैं जाती हूँ आई डोंट थिंक इट्स वेस्ट ऑफ़ एन एफर्ट ही इज़ वर्किंग और मैं डिस्टर्ब करूंगी और मैं जा रही हूँ एंड सडनली सामबडी कॉल्ड एंड सेट आप दिब्यादाता हो मैं कहा हाँ जी तो ही से शाहरुख सर ने बुलाया आपको सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि इतनी चीज़ में भी याद रह गया कि और छः सात लोग आए थे और सब क्राउड को ऐसे ऐसे करते हुए ले कर जा रहे थे मुझे और सब देखने की ये लड़की कौन है तो एक जीप में बैठे थे वो गाड़ी में और सब शाहरुख शाहरुख कर रहे हैं और बीच में मैं जाके घुस गई सो so, एवरी नज़र इज ऑन मी कि ये कौन है और मैंने उधर उनको कहा कि मुझे ना ही सेट या हा चाय पियोगी मैं कहा नहीं नहीं आई डोंट नाट डिस्टर्ब यू मुझे सिर्फ uh, ये कहना था एंड ही सेज आई एम नॉट समबडी हु कैन से एनी थिंग ऑन दिस बट आई विल डेफिनेटली कन्वे योर मैसेज तो वो मनी uh, सर का मुझे मैसेज आया इतना प्यारा एंड ही वॉज़ राइट ही सेड यू हैव अवज सिमिलैरिटी विद मनीषा तो उस फिल्म में फिर वो तुम नहीं कर सकती वो फिर प्रीति ने किया लेकिन उस चीज़ का इम्पैक्ट uh, हमेशा रहा कि शाहरुख वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल इवन इन वी बहुत बहुत आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग पीपल दैट आई हैव नोन इन द इंडस्ट्री और बहुत गहराई है उनमें और शायद uh, ये जो आप ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं शायद उन्होंने बहुत करीब से देखा है So, uh, uh, बहुत सारी चीज़ें उन पर भी एक साथ तो उनकी मैं कई बार बातें सुनती हूँ ना फील बेटर कई बार आप लोग होते हैं आप कहते हैं क्या करूँ एंड देन आई हियर हिम कि बहुत रिलेटेबल बहुत खूबसूरत बातें लगती हैं ऑडियंस अमिताभ बच्चन से कब हुई मुलाकात बच्चन साहब से पहली मुलाकात हुई उसी अकेडमी के दौरान Uh, वो हमारी हौसला ज़ाई करने के लिए और कुछ टिप्स देने के लिए टोल्ड uh, we के बच्चन साहब आ रहे हैं और uh, सोनाली सेड uh, uh, तो सोनाली ऑलवेज वाज वेरी कॉन्फिडेंट मैं uh, जितना बेस्ट तैयार हो सकती थी हुई तो बच्चन साहब की आदत है कोर्स आई एम श्योर यू नो कि वो हमेशा वक्त पे आते हैं या वक्त से थोड़ा पहले आते हैं लेट कभी नहीं होते ही इज़ ऑलवेज़ आप घड़ी मिला सकते हैं उनके साथ तो आ, शायद 11 बजे का वक्त था उनसे मिलने का वो 11 बजने में पाँच मिनट पर पहुंच गए एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम हम लोग वही आठ लड़का लड़की थे सब उनके पास जा रहे हैं कोई कोई सवाल कर रहे हैं एंड वी आर टोल्ड की करो ना बात सर से कुछ पूछना है कुछ पूछना है क्वाइट एक वर्ड बातूनी लड़की के मुँह से एक वर्ड नहीं निकला तो आ, मेरा इनफैक्ट जब बच्चन सर चले गए तो ही मस्ट हैव थॉट कि इसने तो कोई बात ही नहीं की एंड एवरी वन स्टार्ट जोकिंग कि जो सबसे बड़ी फैन है उसने बात ही नहीं की और मुझे लगा टीस uh, रह गई कि अरे यार बात क्यों नहीं की मैंने आई वॉज जस्ट मेरे ख्याल से एब्जॉर्ब करते हैं आप एक मोमेंट को कि क्या ये वाकई हो रहा है तो वो कर रही थी और शायद चुप हो गई उसी में लेकिन देन आई ऑफकोर्स हिम ड्यूरिंग बागबान और uh, बागबान में भी आई वॉज़ प्लेइंग दिस वेरी डर्टी नास्टी बहू तो डायलॉग्स शुरुआत में तो मैं जाके गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू एंड एवरीथिंग आई वुड डू वेरी एक्साइटेडली गप्पे मारती थी और फिर डायलॉग्स बोल देती थी धीरे धीरे uh, मेरा एंथुजियाजम कम हो गया और थोड़ा सा मैं वो हो गई कि नॉट इन्जॉइंग इट और समथिंग एक दिन आके रो पड़ी घर पे तो माँ ने कहा क्या हुआ शूट अच्छा नहीं हुआ ऐसा नहीं शूट तो अच्छा हुआ आई डोंट नो एंड नेक्स्ट डे आई वेंट माई गुड मॉर्निंग वॉज वेरी लो गुड मॉर्निंग सर एंड बच्चा नोटिस एंड देन सीन दिया मुझे एंड आई वॉज हेटिंग से तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ इस फिल्म में अच्छा बेहेव नहीं कर रही हो एंड आई सडन वॉज ऑन द डिफेंसिव सब बट ये तो रोल है और मैं डायलॉग्स बोल रही हूँ ही बड़े बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहे गए कि एग्जैक्टली एंड देन ही कॉल्ड तुम्हें पता है मेरे फैन्स तुम्हें मारेंगे अगर तुम मेरे साथ इतना गंदा बिहेव करोगी सो सडनली जिस चीज़ को मैं बहुत सीरियसली ले रही थी पर्सनली ले रही थी वो सडनली मैंने डिटैच कर दिया उससे उससे रोल की तरह खुद ही सीख लिया थैंक्स टू हिम एंड मेरे ख्याल से जो दिग्गज हैं हमारी इंडस्ट्री के दज अ रीज़न दैट ये लोग इंस्टीट्यूशनस हैं क्योंकि ये पर्सनलाइज इंटरेस्ट लेते हैं आप में इनको एक एक का नाम मालूम है ये जानते हैं कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं दे मेक यू फील एट ईज एंडट्स द रीजनल लेवल सो सो या आई थिंक मिस्टर बच्चन फिर जब मैं किताब छापी मी एन माँ तो मुझे था कि मेरा फोवर्ड शबाना जी लिख दें क्योंकि uh, एक तो मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और दूसरा मुझे लगता है उनकी माँ का रिश्ता उनके साथ बिल्कुल वैसा है जैसा मेरा मेरी माँ के साथ है तो मैंने उनको वो भेजा पूरा पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा फोवर्ड लिख के भेजा तो राहुल ने कहा आपने प्ले में भी उनका वाला रोल किया था तेरी हम पुरीजी के साथ। yes. yes. so, ये चीज़ें मैं कह रही जो आपके पूरे होते हैं जिंदगी में आप इसका बहुत शुक्राना करते हैं कि ये चीज़ें शायद मैंने डे ड्रीम नहीं की थी बट हुई एंड सो आई वांटेड हाँ सो राहुल ने पूछा कि इनोग्रेट uh, uh, मतलब तुम्हारा बुक लॉन्च है तो क्या करना है तो किसको मैसेज हिम बचन वी इज नो ई सेज कोशिश तो करोगी सो मुझे लगा ऐसे ही मतलब बेस्ती हो जब नहीं आया मैसेज तो आई वी फील वेरी बैड और मतलब अप्रोच भी नहीं करना चाहिए समवेयर आई कॉन्ट अप्रोच है मुझे ऐसा लगा uh, लेकिन मैंने मैसेज किया और सारा दिन मैं अपना मोबाइल देखती रही और शाम को मैसेज टाया वेयर एंड वट टाइम लेट मी नो उस चीज़ से दो चीज़ें ऑफकोर्स देर वो मच वचन रिस्पेक्ट ऑफकोर्स ऑलवेज देर लेकिन एक कॉन्फिडेंस आया कि um, खुद से नहीं सोच लेना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा कोशिश जरूर कर लीजिए सो आई थिंक फ्राम एवरीवेयर तुम कुछ तो कुछ ऐसा सीखते हुए निकल जाते हो जिंदगी में बारी इन लोगों की है क्वेश्चन प्लीज Uh, आपकी एक फ़िल्म है राजा की आएगी बारात और उसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था अभी सोशल मीडिया पे बहुत मीम बने थे और uh, मेरा है। हाँ आप, आपका और रानी मुखर्जी का की चिल्ला मत चुड़ैल अगर अंग्रेजी गाली किसी और को देना हिंदी में अगर एक गाली सुना दी तो पूरा ख़ानदान कब्र से बाहर आ जाएगा तो इसमें ये बहुत मीम बने बहुत ज़्यादा तो आपका पहला रिएक्शन क्या था अगर आपने देखा हो पहला रिएक्शन अच्छा, नहीं नहीं है। है, <laughs> तो अभी राजा की आई की, बारात मेरी सेकंड थी, रानी की गाड़ी नहीं होती थी तो एक ही साथ हम लोग जाते थे वो मुझे पिक करती थी और एक पता नहीं हम बहुत दूर जाते थे एक किसी फैक्ट्री में सेट लगा था वहाँ शूट करते थे एक ही मेकअप रूम था वो उसके मम्मी मुझे ड्रॉप करते थे तो लेकिन मुझे वो रोल कमिंग बैक टू द रोल बिल्कुल पसंद नहीं था एंड ये लाइन अगर आप बोल रहे हैं मैं सोच रही हूँ हे भगवान ये मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ <laughs> और ये मेरे लिए था तो बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ बट आई एम ग्लैड इट्स मीम बट मेरे को कुछ कहना नहीं है इसके लिए आई हेट इट ठीक है हाई दिव्या मैम मेरा नाम आयुष मिश्रा है आपकी एक फिल्म थी गिप्पी और वो बहुत ही आपने उसमें एक माँ का किरदार निभाया था और वो फिल्म काफी लोकप्रिय हुई और उसको काफी टीनेजर्स रिलेट किया उससे तो आपने उस फिल्म से आपने ऐसा क्या एक्सपीरियंस गेन किया जो आपको आपकी लाइफ में काम आया और आपने एक माँ का किरदार प्ले करके आपको कैसा लगा uh, का किरदार इट वॉज इंटरेस्टिंग रोल एक्चुअली Uh, बहुत स्टीरो uh, माँ का रोल नहीं था मज़ेदार सा था तो मुझे वो मेरी माँ जैसी मेरी माँ है वैसी ही लगी बिल्कुल शी वॉज फनी शी वॉज़ अ चाइल्ड वुमन एंड शी वॉज ऑल्सो शी न्यू हाउ टू फेस लाइफ तो वो सब था उसमें मिश्रण उसका एंड uh, एक उस फिल्म का डायलॉग था मुझे uh, याद है कि uh, गिप्पी अपनी माँ को बोलती है कि uh, तुम पापा के साथ क्यों नहीं हो एंड शी सेज बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सब कमज़ोरियों को जानते हैं और फिर भी तुम्हें प्यार करते हैं तो ये मुझे एक बहुत जिंदगी की फिलासफ़ी लगी कि आपको सिर्फ जैसे जैसे आप बड़े होते हैं उन लोगों के करीब रहना चाहिए जो आपकी सब कमज़ोरियों को जानते हैं फिर भी आपको प्यार करते हैं सो आई थिंक दैट्स माई टेक अवे फ्राम देट फिल्म नमस्कार मैम मेरा नाम नमन शर्मा है मैम आपके जितने भी किरदार देखे हैं सभी कहीं ना कहीं बोल्ड इंडिपेंडेंट वुमेन के होते हैं और ऐसी कम एक्ट्रेस होती है जिनसे एक नॉर्मल हाउस भी रिलेट करती हैं मेरी मदर उनमें से एक हैं जब आपकी फिल्म देखती हैं तो कहती हैं कि दिव्या दत्ता है दिव्या दत्ता है तो मैम आपने अभी दिल्ली छः का जिक्र किया आपने बताया कि आपको जलेबी का किरदार करने में थोड़ी सी झिझक हो रही थी तो मैम ऐसा कौन सा किरदार है जो आप कहेंगे कि दिव्या के सबसे करीब है और आपके सबसे करीब आपसे सबसे जुड़ा हुआ वो है कि आप कह सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये किरदार मेरे जैसा ही है नमन पहली बात तो ये कि आप बतौर एक्टर अपने आप को थोड़ा तो अलग रखते हो क्योंकि आप किरदार को अंदर आने देते हो एटलीस्ट दैट्स माई वे ऑफ वर्किंग लेकिन थोड़ा सा तो आपका खुद का एक हिस्सा रह जाता है उस उस किरदार में तो चाहे वो आप उससे रिलेट ना करते हो जैसे मैंने अभी धाकड़ की तो धाकड़ में जो विलेन का रोल किया उससे मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करती लेकिन मुझे वो करके मज़ा बहुत आया बिकॉज़ uh, सो uh, so, uh, सबसे रिलेटेबल आई वुड से एक अभी रिसेंट फिल्म आई थी uh, नज़रअंदाज uh, जो कुमुद मिश्रा uh, के साथ में है और uh, वो शी इज़ वेरी क्लोज टू हू आई एम एक्चुअली तो अगर आप मतलब शी इज़ शीज़ फान चाइल्ड वुमन तो उसको इतना सीरियसली वो नहीं है मस्ती तो एवरी वन वुड थिंक कि ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है पर मुझे था कि नहीं एक्टिंग हो ही नहीं रही यहाँ पे दिस इज़ मी सो आई वॉज़ इन्जॉइंग इट सो इफ यू वॉन्ट से वट वॉज़ क्लोज टू मी दैट वॉज़ क्लोज टू मी लेकिन किरदार करते वक्त आई थिंक मैं सब किरदारों से जुड़ी हूँ ऑल ऑफ द हेलो मैम मेरा नाम आस्तिक तिवारी है आपका एक स्टेटमेंट आया था काफी पहले कि वीर जारा में शब्बो का किरदार हो या दिल्ली छ में जलेबी का ये आपको एक रिस्क लगता है ये ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना तो ऐसा क्यों है मतलब हिचकिचाहट है या अभी भी आपको वो टाइप के कैरेक्टर प्ले करने में रिस्क है या नहीं उसके पीछे क्या, क्या कहानी है जब से वो आया है थोड़ी थोड़ी नहीं ऑडियंस बिल्कुल थिंकिंग बदल गई है तो पहले क्या है हम लोग बहुत ऐसा डिमार्केट कर देते थे कि ये टीवी एक्टर है ये फ़िल्म एक्टर है ये सिर्फ एडवर्टीज़मेंट्स करते हैं ये सिर्फ थिएटर करते हैं तो ऐसे होता था तो आप कुछ भी एक कर लेते थे आपको दस वैसी चीज़ें और आ जाती थी आप वहीं अटक जाते थे सो so, जब मैंने वीर जारा की तो मुझे लगा कि अगर मैंने बेस्ट फ्रेंड का रोल कर लिया तो अब मुझे और रोल शायद नहीं मिलेंगे लेकिन क्योंकि मैंने बाकी के वैसे रोल्स नहीं किए और रुकी एक साल यू नीड टू से थाउजेंड नोस टू गेट दैट येस यू वॉन्ट सो आई वेटड वो ना कहना आसान नहीं होता है अच्छे ऑफर्स होते हैं ल्यूक्रिएटिव ऑफर्स होते हैं लेकिन uh, वो जो आपके वाला हाँ है वो आने का आपको इंतज़ार करना पड़ता है तो जित जब इतने ना बोलेंगे तो लोगों को पता, पता चलेगा कि आप हाँ किसको बोलने वाले हैं सो या सो दैट आई 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 वेटिड जी सवाल तो नहीं छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप मुझे आ, मैं तैनू फिर मिलांगी सुना दीजिए यहाँ बैठ के तो बहुत <laughs> लाइव सुनने में बहुत मजा आ जाएगा श्योरली एक्चुअली uh, एक बहुत खूबसूरत कनेक्ट लगता है मुझे अमृता प्रीतम जी के साथ एंड बट मुझे उसके लिए अपने मोबाइल की थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी आपको चलेगा कभी आपको उनकी बायोपिक करने का मौका मिले ये ऐसे है और एंड आई नो के होगा आई नो एट क्योंकि जब आप कुछ बहुत शिद्दत से चाहते वो आई थिंक यूनिवर्स का इंस्पायर करता है करता है होता है उसके तरीके अलग होते हैं लेकिन करता है लाइक आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर लेकिन मतलब मुझे अगर हीरोइन हीरोइन करना था तो शायद वो हिरोइन हीरोइन ना होकर एक्टर हो गया और अब सिर्फ एक्टर्स करते हैं ना इवन हीरो वॉन्ट टू बी एक्टर्स सो इट्स एन अमेजिंग लाइफ इट्स द वे यू सी इट कई बार मैं बिल्कुल वो हो जाती हूँ कि यार ये भी नहीं करना है और ये भी नहीं करना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है सम टाइम्स दज अ रोल दैट आई वॉन्ट टू डू एंड समन एल्स हमें मुझे जाओ छोड़ो करना ही नहीं है या यहाँ पे ये है यहाँ पे ये मैम मैनेजर विल कॉल दो दिन की बात है मैम परसों आप फिर लग जाओगे बट दैट्स द वो भूख है मेरे अंदर आई आई लाइक इट कि वो जो एक हम कहते हैं ना कि हम बड़े हो गए वो एक अंदर का बच्चा मुझे लगता है बरकरार रखना बहुत बहुत ज़रूरी है एंड Uh, वो मैं रखती हूँ and that's very important तो मैं फिर मिलांगी आपको सुना देती हूँ आपके जो आभूषण हैं आपकी ज्वेलरी वो आप खुद तय करती हैं या स्टाइलिस्ट वगैरह जी uh, ये तो मेरी खुद की तय की हुई है लेकिन कभी उनकी मदद कभी खुद तय करती हूँ सो so, uh, yeah, it's basically and then you receive lot of compliments देखिए शुरुआत वहां से की थी कि जहां पता नहीं था कि फैशन क्या होता है कहाँ फिट होना है आपको ग्लैमरस कपड़े पहनती थी जो मुझे जरा भी सूट नहीं करते थे uh, ग्लैमरस वैसे कपड़े जो नहीं सूट करते ना एवरी वन मुझे आप जैसे मैंने एक फिल्म कवर देख लिया है और मैं सोचू कि आ, मैं भी यही पहनूंगी ये लेटेस्ट फैशन है अब जरूरी नहीं कि वो जो कवर पे है वो आपको भी सूट कर रहा है ये जरूरी नहीं है तो आ, अब मैं भी पहन के चली गई अब मैं शीशे में देख रहा हूँ शीशा थोड़ी झुटलाएगा वो बोलेगा कि यार तू पहन लिया है आ, बुरी नहीं लग रही पर अच्छी भी नहीं लग रही यार ठीक ठीक लग रही है यू कैन डू बेटर लेकिन आ, ऐसी गलतियां कर कर के ही सीखते हैं आप तो फिर मुझे लगा कि मुझे क्या सूट करता है वेयर डू आई गेट मोस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम वेयर डिड आई गेट दो तो धीरे धीरे मैंने आ, सब चीज़ें मिक्स करनी शुरू कर दी जब आप में कॉन्फिडेंस आता है आप एक्सपेरिमेंट भी ज्यादा करते हैं तो मैंने साड़ीज के साथ में कमीजें पहननी शुरू कर दी दिस इज नॉट क्योंकि वो जो उसका किनारे वाला पैटर्न है इट्स अ वेरी टिपिकल पैटर्न देखिए मैं एक्चुअली बताऊँ मुझे ब्रांड्स का कुछ खास पता नहीं होता मुझे जो पसंद होता है मैं ले लेती हूँ एक बार जनपद पर गई थी और बचपन मुझे रिलिफ्ट करना था बहुत जोर से तो मास्क पहन के गई और टोपी पहन के गई और जनपद की जो बारगेनिंग होती है ना उसका स्वाद ही अलग होता है तो पहले तो मैंने वो आलू की चाट खाई वहाँ पर छुप के और फिर जब मैं बार्गेनिंग करने आई वो मुझे कुछ बहुत अच्छा लगा वहाँ पे मैम आप क्यों बारगेनिंग कर रहे हो सो आई लाइक आवाज़ से पकड़ी गई सो द थिंग इज इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड्स इट्स वॉट आई फील आई विल इन्जॉय व्ययरिंग एंड आई थिंक आपको पता होता है कि ये मुझे सूट करेगा ये मुझे सूट नहीं करेगा तो फटाक से तैयार हो जाते हो आप अच्छा ये साड़ी पहननी है ये जाएगी और मैं लडकों से भी जल्दी तैयार होती पूछिए आपकी जो मुझे लेने, मैं दस में बाहर बात है। देखो अगर नहीं सुंदर लग रही तो, बहुत अरे आप तो जैसी कि आप बहुत सुंदर लग रही है और आपकी और साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है मैंने वैसे पोएम लिखी थी फेवरेटिज्म पे भी वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी पहले हम क्लोज करें। करेंगे शो जी राइट right. मैं तनु फिर मिला किथे किस तरह पता नहीं शायद तेरे तखयुल की चिणक बन के तेरे कैनवस से उतरगी जा खोरे तेरे कैनवस के उत्ते एक रहसमई लकीर बन के खामोश तेनों तकती जा खोरे सूरज की लू बढ़ के रंगों में घुल ज रंगा दियां बह के तेरे कैनवस नल्गी पता नहीं किस तरह कितने पर मैं तेनों जरूर मिला जी

चमक बहुत अच्छी लगी जुबली बहुत अच्छी लगी आ, और आ, फिल्मों में बारहवीं फेल बहुत अच्छी लगी आई रियली थाट इट वॉज़ ब्यूटिफुली मेड एंड अ विफ ऑफ फ्रेशर जहाँ हम बहुत डार्क उसमें चले जाते हैं सस्पेंस एक तो हमारे यहाँ क्या होता है कि सब एक ही फार्मूला में घुसे चले जाते हैं अभी सबको लग रहा है कि आ, मतलब ओ पे ये चल रहा है तो चलो ओ पे अब हम यही करेंगे उसमें एक फिल्म आ जाती है बारहवीं फील जो थिएटर्स में बहुत अच्छी चलती है जहाँ आप यू हैव अ फैबुलस एक्टर हेडिंग द कास्ट और कितनी uh, उसको बहुत ही ज़्यादा कमाल बनाया उन्होंने और इतना बांध के रखा है एंड आई थिंक एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट दैम सो एक अच्छी फिल्म आई थिंक uh, जब बनाते हैं उसकी एक अपनी फाइट होती है uh, कोहरा जैसे बनाई गई तो कोहरा में दोनों मोस्टली नए लोग हैं बारहवीं फेल में नए लोग हैं ये प्रोड्यूसर्स uh, के लिए एक अपने आप में uh, बहुत फाइट होती है कि हमारी विजन ये है हम इसका क्या करें और दूसरी तरफ आ जाती है मार्केटिंग कहते हैं विजन तो सही है आपकी लेकिन इन मार्केट कैसे करेंगे तो उसके बीच का जो एक रास्ता ये लोग ढूंढते हैं आई थिंक हैड्स टू दैन फॉर मेकिंग सच ब्यूटिफुल कॉन्टेंट वेर दे डोंट गिव अप टू वट दे सो या दीज थिंग्स आई फील आर रियली रियली नाइस बाकी अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है आप कुछ देख रही हो जी। जैसे कोई फिल्म हो गई कोई वेब सीरीज हो गई जी तो आप कभी जो उसमें एक्टर आप उसके रोल में धीरे-धीरे अपने आप को ढाल रही हो या उससे इंस्पायर हो रही हो इस वे में कि आप उसकी तरह या तो आपका हल्का नेचर बदलने लग गया हो आप कभी उस वे में मूवीज देखती हैं कि नेचर ही बदलने लग जाए लेकिन हो, हो सकता है ऐसा इसकी पॉसिबिलिटी है ऐसा हो सकता है क्योंकि हम बतौर एक्टर्स बहुत कॉन्शियस होते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आया एक बार एक एक्टर ने मुझे बताया था कि हिज फादर पास्ट वे और वो बाथरूम में रो रहा था और रोते रोते उसको लगा कि यार ये वाला एक्सप्रेशन बेटर लग रहा है रोने में कि ऐसा लग रहा है वो सडनली रियल से रियल oh, रील में चला गया इट्स वेरी स्कैरी इट कैन हैपन ऐसा हो सकता है तो uh, जब मैं किसी एक्टर को देखते हुए मुझे कुछ बहुत अच्छा लगे आई विल मोस्ट डेफिनेटली गो रिवाइंड इट वॉच इट अगेन कि मुझे इसमें क्या अच्छा लगा और उसको मैं इफ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट मैं कई बार करके देखती हूँ कि इसने क्या किया जो मुझे अलग लगा जो शायद मैं ऐसा नहीं करती वो मैं करके देखती हूँ कि वॉट डिट शी जस्ट डू शी जस्ट डिड दिस आई आंखें नीचे की फिर ऊपर किया फिर क्या किया बहुत मज़ेदार किया तो फिर मुझे अफकोर्स यू लर्न समथिंग अभी हम एक फिल्म कर रहे हैं एक रुका हुआ फैसला जो बनी थी पहले इस बार भी इस बार भी बहुत इंटरेस्टिंग कास्टिंग है लेकिन मेरा टेक अवे क्या है उसमें सौरभ कि मेरे सामने बेहतरीन एक्टर्स बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं अतुल देबू है उसमें सुविंदर विकी, विकी है तनिष्ठा है तो ये सब ऋषि मनो ऋषि चड्डा है तो ये सब आपके आस पास बैठे तो हर वक्त तो आप बात नहीं कर रहे हैं आर एंड हम सब एक दूसरे को क्यूज देते हैं कोई वैनिटी में नहीं जा रहा था तो सब बैठे हैं अब मैं यहाँ बैठी हूँ देबू यहाँ बैठे तो मैं उनका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग द डायलॉग्स देख रही हूँ कि वो कैसे लाइंस कैजुअली फेंक रहे हैं कैजुअल एकदम यार ये क्या स्टाइल है कैजुअल फेंक रहा है तो वो देखा फिर अतुल का देखा कि प्रिपेयर करके ये वाला तरीका है फिर तीसरे एक्टर का देखा कि सबके बिल्कुल अलग तरीके स्कत्रीक, okay. है। हैं ब्रिलियंट एक्टर्स बट देर वेज ऑफ एक्टिंग एंड अप्रोचिंग अ रोल आर वेरी डिफरेंट एंड आई एम सिटिंग हियर ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ देम तो वो मेरे लिए पार्टी टाइम हो गया सो येस आंसरिंग योर क्वेश्चन आई सी इट एंड आई पिक अप थिंग्स दैट आई थिंक आई नीड बिकॉज यू ऑलवेज लर्निंग एक एक्टर के लिए सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम है कि आप अनलर्न करें क्योंकि आपको अगर जिस दिन लगने लग जाएगा ना कि मैं तो यार कमाल काम करता हूँ या करती हूँ उस दिन आप फिनिश्ड हैं क्योंकि आपके अंदर ना तो हंगर है ना कुछ नया जानने की आ, वो है यू हैव टू बी ईगर टू डू सम वो ईगरनेस जब चली जाती है और एक एक कंप्रेसेंसी आ जाती है दैट डज नॉट वर्क तो वो आ, जब आपको पता है कि मुझे अनलर्न करना है लाइक देर वॉज दिस फिल्म राम सिंह चार्ली आई डोंट नो अगर आपने देखी बहुत प्यारी आपकी और कुमुद भाई की जी तो ये फिल्म के लिए मुझे वो ले ही नहीं रहे थे उनको लगा कि मैं बहुत स्टार नेम हूँ और ग्लैमरस हूँ और उस फिल्म में घुसती नहीं हूँ और वो मेरे मित्र हैं और मुझे बहुत उमदा डायरेक्टर लगते हैं आई थिंक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव तो आ, मैंने कहा ये जो आप आ, ऐसे ही अपनी कहानी सुना रहे थे कि ये राम सिंह चार्ली बना रहा हूँ कुमोद हैं और ये हैं और कहानी सुना दी मैंने कहा सुनो इसमें जो वाइफ है कजरी ये रोल कौन कर रहा है तो भुखड़ एक्टर मैं तो मांगूंगी और मुझे मांगने में कोई हर्जा नहीं मैं बहुत कम मांगती हूँ लेकिन जब मांगती हूँ तो बहुत दिल से मांगती हूँ तो आ, तो बोले अभी तो दो तीन लड़के उसे अप्रोच किया है तो नॉट फाइनलाइज आई सेड व्हाई आर यू नॉट कंसिडरिंग मी फॉर दिस रोल दिव्या यू डोंट फिट इनटू इट एस एक्सक्यूज मी एक्सप्लेन ही सेइंग ये बहुत रियल किरदार है तुम ग्लैमर लेकर आओगी तो वो बहुत चुभी बात है व्हाट वॉट यू मीन मतलब ग्लैमर वर्ल्ड वाले कहते हैं कि तू आर्ट लेके आ रही है आर्ट वाले कह रहे हैं तू ग्लैमर लेके आ रही है हेलो वेयर डू आई बिलोंग सो इन अ वे इट्स नाइस कि आप दोनों में फिट हो सकते हैं किसी ना किसी तरह लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि देख मुझे ये फिल्म करनी है यू थिंक आई कैन डू दिस रोल ही सेज हाँ ऑफकोर्स एक्टिंग में कोई वो नहीं है मुझे तुम विजुअली मैं तुम्हें प्लेस नहीं कर पा रहा ऐसा वो तेरा प्रॉब्लम एज अ डायरेक्टर सो ही सेज ओके गिव मी अ फ्यू डेज मैंने किसी से बात कर रखी है तो आई सेड ओके आई एम वेटिंग मुझे कोई जल्दी नहीं है पंद्रह दिन के बाद उनका फोन आया दियर कम टू दफिस आई वेंट तो ही सेज़ ओके सो यू डूइंग इट एज अ थैंक यू फॉर योर फेथ इन मी तो हीज बट दैट्स नॉट ए नफ यू विल हैव टू अनलर्न मैं कह अनर्न आई नो आई सेम रेडी टू लर्न हीन यू हैव टू अनलर्न तो मैं क्या अनलर्न uh, yeah, no, no, तो क्या करना ही से पहले तो अपना मेकअप उतार किया तो ये जो हम मेकअप करते हैं मेरे शाम बेनिगल स्कूल ऑफ एक्टिंग जहां पे आप प्यारे लग सकते हो हल्का मेकअप करके दैट तो uh, शाम बाबू के साथ मैंने पाँच छः फिल्में किए तो हमें होता है कि हाँ नो मेकअप लुक इज दिस कैन गो ये जा सकता है मतलब तो नो मेकअप भी जाओ और ये भी जा सकता है सो आई आई केम इन फ्रंट ऑफ नितिन कक्कड़ ही गो बैक टू द वॉशरूम एंड रिमूव द काजल एंड दिस लिटिल फाउंडेशन दैट्स लेफ्ट ऑन योर फेस तो मुझे वो चीज़ बहुत मुश्किल लगी मतलब एक्टिंग इतनी मुश्किल नहीं लगती लेकिन वो आईने में मेकअप रिमूव करना ऐसे और काजल निकालना और वो कॉलेज की दिव्या देखना जो ये वाला मेकअप नहीं लगाती थी जो अपने हल्के फुलके डार्क सर्कल्स के साथ लोगों से मिलती थी उससे दोबारा तारुफ करना बड़ा मुश्किल काम था बाथरूम से निकली वहाँ पर डीओपी खड़े हैं डायरेक्टर खड़े हैं एडीस खड़े हैं और मैं ऐसे देख के ना ऐसे हो गई क्योंकि मैं नजर ही नहीं मिला पा रही थी आई डेंट द कॉन्फिडेंस ही सर गॉट माई कजरी तो कई बार आपको अप, आपको जो लगता है आपकी स्ट्रेंथ है आपको केवल वो स्ट्रेंथ छोड़ देनी पड़ती है यू जस्ट हैव टू टेक दैट द लीप ऑफ फेथ कि आप सही हाथों में हो बस कूद लो बस hmm. जंप कर लो डूबोगे तो नहीं पक्की बात है लेकिन कुछ अलग करके जाओगे सो आई एन्जॉय डूइंग दीज डिफरेंट रोल्स मजे आते हैं नर्वस होती हूँ पेट में गुदगुदी होती है और शीशे में जब जब देखती तो तो लगता है कि एक, एक अलग दिव्या दिखी, so, yeah, that's lovely. जब आप uh, respond कर रही थी इस क्वेश्चन पे, तो आपने आपकी जी जिंदगी से जुड़ा थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारी ऑडियंस से भी जुड़ा है life, ना? कि मैं ही ठीक हूँ हमारे यहाँ जो आपके साथ भी हुआ युवा एटीन की ये लड़का यूएस में कर रहा है हम लड़कियों के ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं एज इफ उनकी ज़िंदगी का इकलौता मकसद सिर्फ शादी करना ही है और ये सबसे जरूरी चीज़ है शादी कर ले तो बच्चे पैदा करना सबसे जरूरी है सटल ढंग से ताने दे के जिम्मेदारियों का लबादा अभी कर लो तब कर लो बुढ़ापे में क्या जवानी में क्या वो सब होता है यू डेल्ट विद इट एव यू फेस्ड इट किस किस तरीके की बातें कहेंगे फकोर्स यू आई मीन आई है लेकिन मुझे लगता है कि अभी खैर मैं पहले अपनी बात से शुरू करती हूँ कि अफकोर्स बहुत सारे आपको रिश्ते भी आते रहे हैं मेरी नानी ने शिडन गेवापोन में उन्होंने बहुत सारे रिश्ते मेरे मुंबई में रहते हुए भेजे मुझे कि इससे मिल लें इससे मिल लें एंड आई समा वॉज नीवर मेड अप फॉर दैट टिपिकल चाय दो और अरेंज्ड मैरिज कर लो Uh, मुझे एक कनेक्ट होना बहुत जरूरी था शायद शुरू से इमोशनल थी तो मुझे जिसके साथ जिंदगी बितानी है आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ मैरिज बट एक पर्सनली बात होती है कि मुझे uh, एक बॉन्ड चाहिए था कि uh, और जब तक वो बॉन्ड नहीं हो रहा तब तक नहीं करो तब तक नहीं करो uh, तो मेरी माँ ने भी मुझे आई थिंक सत्ताईस अट्ठाईस तक कहा होगा कि शादी कर ले uh, उसके बाद उन्होंने शायद कहना छोड़ दिया बिकॉज यू रियलाइज एंड ऑल्सो आई डेटेड अ फ्यू पीपल हु आई से वर रोंग पीपल बट देवर रॉन्ग फॉर मी कई बार क्या होता है कि आप uh, जैसे जैसे आपकी हर उम्र में आपकी वॉन्ट ऑफ गाय बदल जाती है अगर आप टीनज uh, हैं तो आप कहेंगे कि टॉल डार्क एंड हैं मिल्ज एंड बून राइट फिर जब uh, और अगर आप एक एक्टर हैं वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी प्रोफेशन टू बिलोंग टू देर इज Um, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं बहुत फेम होता है आपके आसपास, इनसिक्योरिटी होने के बहुत सारे वो होते हैं सो देन आई थाट कि नहीं who हु वेरी सिक्योर क्योंकि आप देखते आए हैं लोगों को कि कुछ सीख रहे हैं साम्बडी इज़ इन ऑफ यू कोई आपको uh, आपकी स्ट्रेंथ अब जैसे लोग मुझे मिलेंगे फॉर द रोल्स आई हैव डन पीपल थिंक दिव्या इज़ वेरी स्ट्रांग जो कि मैं हूँ बट मेरा एक हिस्सा है दूसरा हिस्सा तो वही है कि एक वलनरेबल लड़की भी है जिसे भी uh, तकलीफ होती है जिसे शायद दुख भी होते हैं तो uh, कई बार बहुत सारे लोगों को वो बैलेंस नहीं करना आता कि इस स्ट्रॉन्ग uh, औरत को मैं वलनरेबल uh, कैसे सोचूँ या वलरेबल को आई कैन प्रोटेक्ट बट हाउ डू आई प्रोटेक्ट अ स्ट्रॉग वूमन सो इट्स वेरी कॉन्ट्रोडिक्ट्री समाइम्स बट यू अंडरस्टैंड कि उनकी जर्नी मुख्तलफ है आपकी बिल्कुल अलग है और अब मुझे लगता है कि ऑल्सो आई थिंक नॉन जजमेंटल जो लोग आपको प्यार करते हैं जैसा मैंने अभी गिप्पी की लाइन बोली कि वो बड़ा ज़रूरी है uh, जहाँ मैंने देखा है कि रिश्ते अब हमारे पास ना सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि ऑल ओवर हमारे पास बहुत चॉइसेस हैं औरतें बहुत इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं uh, ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत लगती नहीं कि वट एवर सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ़ हु इज़ गोइंग टू बी अ पार्टनर

इट यूज टू बी जहाँ रिश्ते वर्फर एवर सो जिसे लो वो सही हो वो बहुत ज़रूरी आई थिंक इवन द पेरेंट्स द गर्ल्स स्टार्टेड थिंकिंग इट एंड आई पर्सनली फील सो टू कि मन की शांति बहुत ज़रूरी uh, जो आए वो आपको निखारे किसी भी तरह से आपको भी उसे निखारना चाहिए नर्चर करना चाहिए uh, कोई भी रिश्ता हो वो नर्चरिंग रिश्ता हो ये नहीं हो कि टॉक्सिक है कि फिर से Uh, कुछ हो गया वो वो स्ट्रेस लेकर मैं काम पर आ गई तो डजेंट वर्क दैट वे इट नेवर विल सो इट्स बेटर टू नॉट हैव अ ब्रोकन हार्ट बहुत सारे नॉट्स हो रहे हैं वहाँ पर इज दिस द लॉन्गेस्ट इंटरव्यू यू डन नो थैंक्स हेलो मैम हाई मैम अमूमन ऐसा होता है सीरीज और फिल्मों में कि कुछ सीन जो होते हैं शुरू के वो लास्ट में शूट किए जाते हैं लास्ट के सीन शुरू में किए जाते हैं तो आई एम जस्ट कीन टू नो अबाउट कि आप इस चीज़ को मैनेज कैसे करती हैं अगर आखिरी के सीन मतलब एक्टिंग के ग्राफ को अगर लास्ट में आपको बहुत बड़ा कुछ परफॉर्मेंस रखना है उसमें किसी फिल्म में तो आप लास्ट वाले सीन को फर्स्ट में जब शूट हो रहा होता है तो जैसे पहले दिन आप सेट पे गए और लास्ट सीन शूट है तो उसको आप कैसे मैनेज करती हैं मेरे साथ तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है और पता नहीं क्यों होता है लेकिन लास्ट सीन हमेशा शायद कभी लोकेशन कभी एक्टर्स के कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं और सो so, पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था अब मैं आ, उल्टा चलती हूँ उस हिसाब से जो कर लिया है उसके हिसाब से फिर पीछे लेती हूँ अगेन इट्स अ चैलेंज और मुझे लगता है जितना मुश्किल होता जाए रोल उतना मजा आता है करके सो दैट इज नाइस कि आप फाइनल दे चुके हैं अब उस हिसाब से आप उसे कम करते जाएंगे टिल द बिगिनिंग हेलो मैम मैं आपके इंटरव्यूज पढ़ रहा था कुछ और उसमें दो फिल्मों का जिक्र था एक शॉर्ट फिल्म है और एक फीचर फिल्म है जिन्होंने आपने कहा कि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया पहली तो बागबान है और दूसरी स्लीपिंग पार्टनर है जी तो उसके कई तो हो हो yes. वो वो बार आप रोल आ, को पर्सनली तो नहीं लेते टाइम्स क्योंकि जब आप बहुत हैवी ड्यूटी सीन्स करते हैं तो आप वो रोल को शायद सबकॉन्शियसली uh, अपने साथ घर ले जाते हैं जो कि अब ना ले जाना सीख लिया है लेकिन कई बार स्टिल यू कांट हेल्प इट सो वेन वी वो डूइंग स्लीपिंग पार्टनर विच इज स्टोरी अबाउट मैरिटल रेप तो uh, मैं संजय कपूर हम दोनों शूटिंग कर रहे थे और संजय बहुत प्यारे इंसान है और uh, मतलब हमने हल्का हल्का सब गप्पे मारी बात की सीन शूट किया सीन वाज वेरी डिस्टर्बिंग वेरी वेरी डिस्टर्बिंग लेकिन कट हो गया वो सीन उसके बाद फिर हमने गप्पे मारी और फिर घर चले गए अपना अपना तीन दिन वो लास्ट डे था शूट का तीन दिन तक आई वॉज़ वेरी लो आई डेंट रियलाइज वाई और uh, चौथे दिन आई वॉज़ वेरी हैवी एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं वो रोल जो है उसको अपने साथ में ले आई हूं कि मेरे लिए सिर्फ वो तीन दिन का शॉर्ट फिल्म शूट करना और उसे मैं साथ ले आई हूं बहुत सारी महिलाओं के साथ ये रोज होता है तो हाउ दे मस्ट बी रीली फीलिंग अबाउट दिस एंड इवन इन इन ये द मैने विच इज माई शॉर्ट फिल्म विद अनूप सोनिया भी रिलेशनशिप मैनेजर दैट्स ऑन डोमेस्टिक वायलेंस सो वो हमने शूट की थी कोविड वो जो बीच में दौरान एक वक्त आया था, था तो अगेन दैट दैट वॉज अगेन अ ब्रूज्ड वुमन हूज इमोशनली टोटली ब्रूज्ड एंड ऑफकोर्स फिजिकली तो इवन दैट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी लेकिन आपको कई बार आप कहते हैं कि हे भगवान मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ आई एम फीलिंग लाइक दिस हाउ डू दीज वीमेन फील फॉर देम इट्स अ वे ऑफ लाइफ कि ऐसा ही है सो so, कहीं ना कहीं शायद आप उन्हें जितने जितनी मेल्स जितने मैसेजेस, डीएम्स आपको मुझे इन रोल्स ही ले आए हैं आई कान टेल यू हाउ मेनी वेमेन्ट वी गॉट स्ट्रेंथ हार्ट ऑफ दिस तो मुझे लगता है कई बार आप जो विजुअल मीडियम है वो इतना आप रिलेट करते हैं उससे कि आपको लगता है कि ये एंड थैंकफुली मेरी एक इमेज ये रही है कि लोगों को लगता है वन ऑफ दम ऐसे ओवर एंड अबव नहीं लगती Uh, अपनी ही लगती हूँ तो लगता है कि अगर इसने कर लिया डील तो हम भी कर लेंगे एंड आई लव दैट सो इट्स नाइस वेन यू डू दीज बट रोल समटाइम्स कैन कम बैक होम विद यू एंड डिस्टर्ब द हेल आउट ऑफ यू बट दीज आर ऑफकोर्स द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बींग प्रोफेशन दिव्यां बहुत सारी फिल्मों पर बात की जी छावा का जिक्र अभी तक नहीं हुआ जी छावा की अभी शूटिंग चल रही है और uh, विकी के साथ आई एम डूइंग दैट रोल और uh, छावा की क्या बात करूं अभी बट इट्स इट्स मैंने तो एनडी साइन किया तो मैं कैसे बोलूं कि मैं सोयरा भाई का रोल कर रही हूं <laughs> <laughs> देखिए मैंने अभी भी एनडी साइन किया आप बोल रहे हो हां हां मैं तो यही कह रहा हूं बट टू टू कम बैक टू इट अगेन इट मेड मी नर्वस बिकॉज ऐसी ना तो मेरी लुक रही कभी ना ऐसा रोल रहा और uh, अपने शानदार से उसमें घुस के जो मजा आया टू फील द लोकेशन आई थिंक एंड द रोल दो चीजें मुझे लगता है बहुत मजेदार होती हैं एक टू एक्सप्रेस योर सेल्फ विद वर्ड्स एंड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एज एन एक्टर इट्स अमेजिंग कि आपको इतना एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है विच इज आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू डू दैट एक फॉर्म और है जिसमें एक्सप्रेशन आपका वेट कर रहे हैं श्री राम राघवन भी वेट कर रहे हैं वो बहुत स्वीट हैं वो मुझे जब कोई फिल्म बनाते हैं ही कॉल्स मी के आजा, आ बता क्या मिसिंग लग रहा है क्या ये एंड ही शो इट टू मी एंड जिस से पिक योर रोल नॉट दिस बुकर एक्टर बेस्ट रोल तो चला गया कहीं और सो बट यस ही इज़ ऑलवेज टोल मी राइट स्क्रिप्ट एंड जब मैंने पहली किताब लिखी थी तो नीरज पांडे uh, अपनी एक किताब लिख चुके थे और uh, गालिब डेंजर और उनसे मैंने पूछा कि किताब कैसे लिखते हैं मुझे तो सिर्फ पता है मुझे लिखना क्या है बट देर मस्ट बी अ ढांचा कि किताब कैसे लिखते हैं सो ही टोल्ड मी श्री राम टोल्ड मी थोड़ा हम लोग को भी बता दीजिए देखिए मैं तो अभी भी सीख ही रही हूँ तो उन्होंने मुझे चैप्टर वाइज बताया कि मेक चैप्टर्स फॉर योर कि ये मुझे एक किताब का ग्राफ ये करना है वेरी क्लोज टू मेकिंग स्क्रीन प्ले कि ये ग्राफ रहेगा और उस हिसाब से चैप्टर्स लिख तो दैट रियली वॉज वेरी हैंडी फॉर मी और श्रीनाम ऑलवेज मतलब ही इज़ द फर्स्ट वन उनका तो चैप्टर्स भी हैं मेरी किताब में सेट के स्क्रिप्ट लिख तू लिख एंड एंड जावेद साहब हैज टोल्ड मी कि तुम लिखो और मैं छापूंगा बट आई थिंक इट्स ऑलवेज नाइस टू गेट सो मच लव फ्रॉम दिस पीपल हु हु यू टोटली रिस्पेक्ट एंड लव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कन्वर्सेशन जी देयर थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ गर्ल्स आउट देयर बिहाइंड दैट कैमरा बिहाइंड दैट लेंस आ, वो अपनी फ़िलासफ़ी पढ़ रही हैं, इको पढ़ रही हैं अलग अलग कोर्सेस कर रही हैं शादियाँ अटेंड कर रही हैं सुंदर हैं भी सुंदर दिखने का प्रेशर भी है डांस कर रही हैं थोड़ी सी बेफिक्र हैं स्कैनिंग भी चल रही है स्काउटिंग भी चल रही है और इन सब के बीच वो कोई एक फॉर्म, कोई एक ख्वाहिश है जिसको हवा में बुदबुदा रही हैं द बेस्ट रोल गोज़ टू द बेस्ट एक्टिंग डेब्यू गोज़ टू जो भी जिस भी फील्ड में है उन सारी यंग दिव्या को आप क्या कहेंगी हुई टू चेंज देयर ड्रीम थोड़ी सी हिम्मत चाहिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और हम कितना भी कह लें हालात बहुत अनुकूल हैं नहीं अभी जी। कि लड़कियां बेखौफ होकर पसीना बहाते हुए अपने सपनों के सब जुगनुओं को पकड़ सकते हालात तो इस तरह से कभी भी अनुकूल नहीं थे ना तब थे ना अब हैं आ, लेकिन जब ख्वाब हैं तो उन्हें हकीकत बनना बनाना हमारा हमारी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है जितनी भी ये प्यारी प्यारी लड़कियाँ जो पढ़ाई कर रही हैं जो ख्वाब देख रही हैं जो डे ड्रीम कर रही हैं दे हैव टू गो ऑल आउट एंड गेट दम बट येस एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके पास पूरा प्रॉपर गाइडेंस हो ऐसा बिंदास सोच के कि अच्छा मुझे Uh, तरन आदर्श ने एक बार बोला था कि 99 परसेंट लोग जो आते हैं मुंबई शायद वो एक्टर्स बनने आते हैं फिर आप कहीं ना कहीं खो जाते हैं बहुत सारे आप उतने ही रह जाते हैं बाकी सब कोई और प्रोफ़ेशन ले लेता है कोई वापस चला जाता है नसीर साहब ने कहा था कि आप इस प्रोफेशन को एक साल नहीं दे सकती कि हाँ मैं एक साल रहूँगा फिर देखूँगा फिर चला जाऊँगा दिस प्रोफ़ेशन रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ पेशेंस लॉट्स ऑफ परसिवरेंस लॉट्स ऑफ पैशन ये तीन चीज़ें जब आपके पास हैं और um, यस yes, आपको पता होना चाहिए समवेयर मुझे पता है कि यहाँ मैं uh, uh, मतलब अपने शौक़ के लिए आई हूँ कि आई हैव द फायर इन मी ये आपका दिल आपको बताएगा तो अगर आपको मालूम है कि आपके अंदर वो फायर है प्लीज गो फॉलो इट आई मीन यू हैव टू गो जस्ट गेट इट ऑल दैट लेकिन अगर इट्स वन ऑफ द ऑप्शन देन देन नो इट्स इट्स नॉट दैट ईजी यू मस्ट हैव गाइडेंस Uh, कोई आसान जगह तो है नहीं यहाँ पर आ, मुश्किल है लेकिन वो मुश्किल का स्वाद बहुत है कि इसकी जब लत लग जाती है ना तो वो लत छूटती नहीं है तो मैं अब जब वापस आती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं एक्टर नहीं होती तो क्या मैं ये जिंदगी जी पाती शायद नहीं जी पाती अब अब नहीं जी पाती बिकॉज आई लव द द प्रेशर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री गुड और बैड बोस आई आई टोटली लव इट ऑन दैट नोट दोडम फर्स्ट ओ यस लिखते खुद है पर याद नहीं रहती अच्छा आप बोलते कैसे नहीं है हाँ हाउ इज इट दैट यू डोंट फॉरगेट एनीथिंग एक सेकंड के लिए मैंने देखा इन्होंने कोई टेलीप्रॉम्प्टर लगाया कुछ नहीं नथिंग जस्ट गोज ऑन लाइक दिस इस चका चौंध भरी दुनिया में एक साफ सा आईना ढूंढती हूँ, जहां जो जैसा है वैसा ही दिखे पर यहां तो बुद्ध से चेहरों को चिराग दिखाया जाता है यहां जो गुजर जाएं, उन पर फूल तो चढ़ाए जाते हैं पर जिंदा लोगों को लाश बताया जाता है जहां एक तरफ इतनी मोहब्बत और सत्कार देती है दुनिया वहीं तुम्हारे नाम पर बोली और बाजार बिठाया जाता है कितने में कौन सा चेहरा बिकेगा किसी एक को ज्यादा सजाकर इस रंगीली दुनिया का सरताज बताया जाता है क्योंकि इस चमकते आईने में बस वो चमकता है जिस पर कुछ चंद लोग रोशनी फेंकते हैं पर कहीं तो होगा वो गुमशुदा आईना वो असली वाला जिस पर से धूल हटाकर उसमें एक खरा चेहरा लोगों को दिखाया जाएगा जिसमें जो जैसा है वैसा ही दिखता है चकाचौंध से परे उसका अक्स खुद ही चमकता है आज भी वो साफ साइना ढूंढती हूँ जिसमें जो जैसा है वैसा ही दिखता थैंक यू What a देवियों और सज्जनों संवाद समृद्ध करे तो हृदय के सब कोष्ठकों में उजास भर जाता है और जब भीतर रोशनी भरती है तो आप हल्का स्फूर्ति से भरा और समृद्ध महसूस करते हैं ये जो लल्लन टॉप का कार्यक्रम है गेस्ट इन द न्यूज रूम आप इसकी विविधता देखते ही हैं कभी इसमें डॉक्टर आते हैं कभी एक्टिविस्ट आते हैं कभी अधिकारी आते हैं कभी अभिनेता आते हैं मकसद इसके पीछे यही है कि ये जो इतने समृद्ध जीवन हैं इनके इतने विविध संघर्ष हैं इनको हम जाने इनसे सीखें और साथ साथ फिर जिंदगी के सफ़र में आगे बढ़ें सिलसिला चलता रहेगा आप बने रहिए ललन टॉप के साथ दिव्या जी इतना वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया बहुत थैंक यू